नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं और वो श्रृंखला आधारित है कवि सूरदास की जो उस अनमोल कृति पर जो हमारे पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है और जिसका नाम है भ्रमर गीत सार। तो इससे पहले कि हम कवि के जीवन परिचय पर बात करें, उनकी इस कृति के कुछ महत्वपूर्ण पदों पर को समझें, उनके दृष्टिकोण को समझें, उनकी विचारधारा को समझें, उस मर्म को समझें जिसकी अभिव्यक्ति भ्रमर गीत सार के माध्यम से कवि ने की है। कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो भ्रमर गीत के विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ उस ओर, क्योंकि ये वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आधारित प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब सबसे पहले हमेशा की तरह उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए कि कवि के ग्रंथ को पढ़ने से पहले कवि के जीवन परिचय से परिचित होना जरूरी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आप पहले से ही जानते होंगे कि हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की अजस्र धारा प्रवाहित करने वाले कवि हैं सूरदास। अजस्र यानी जिसमें कोई रुकावट नहीं आए, जिसका प्रवाह निरंतर बहता रहे, ऐसी धारा को अजस्र धारा कहा जाता है। आपका जन्म, हालांकि बहुत विवादित है ये सारी उनका जीवन परिचय भी और उनकी कृतियां भी, लेकिन फिर भी सर्वमान्य मत के आधार पर यह माना गया है कि 1478 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और विक्रम संवत में देखें तो 1535 विक्रम संवत में आपका जन्म हुआ। और आपका जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने माना है कि दिल्ली के निकट सीही ग्राम में सूरदास का जन्म हुआ और आधुनिक शोधों के आधार पर मथुरा के निकट रूनकता नामक ग्राम को उनका जन्म स्थान माना गया है। अगर ये दोनों विकल्प आपकी परीक्षा में आते हैं तो आपको सीही ग्राम को ही सही विकल्प के रूप में चुनना है, क्योंकि ये डॉक्टर नगेंद्र का मत है। और ये जो आधुनिक शोधों की बात की गई है, अभी तक इसकी अच्छी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हमें ये दोनों ही बिंदु अपने ध्यान में रखने चाहिए। अगर बात करें सूरदास के परिवार की, तो आपका परिवार सारस्वत ब्राह्मण परिवार था, यानी सारस्वत ब्राह्मण परिवार में सूरदास का जन्म हुआ। आपके निधन का वर्ष माना गया है 1583 ईस्वी और विक्रम संवत 1640, और निधन का स्थान है पारसौली गांव। आपको ध्यान रखना है सीही में जन्मे सूरदास और पारसौली गांव में उनकी मृत्यु हुई, उनका निधन हुआ। आपके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, इनको भूलना नहीं है, कंठस्थ कर लेना है। और आपकी दीक्षा ग्रहण करने की जो तिथि है वो मानी गई है 1509-10 ईस्वी के आसपास, यानी 1509-10 ईस्वी के आसपास आपकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई और वल्लभाचार्य जी को उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार किया, उनसे दीक्षा ग्रहण की 1509-10 ईस्वी में। अब बात आती है भक्ति की पद्धति क्या है सूरदास की। तो किस प्रकार की भक्ति है सूरदास की? मोटे तौर पर देखा जाए तो सख्य भाव की भक्ति है सूरदास की, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने ग्रंथ में, यानी जो भ्रमरगीत सार शुक्ल जी के द्वारा संपादित किया गया है, उसकी भूमिका में जो उन्होंने लिखा है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वही ग्रंथ हमारे पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है। तो उसमें उन्होंने लिखा है शुक्ल जी ने कि सख्य वात्सल्य एवं माधुर्य भाव की भक्ति पद्धति है सूरदास की। तो ये तीनों बिंदु ध्यान में रखने हैं, इनमें से कोई भी एक विकल्प है तो आपको उसी को चुनना है। वैसे मोटे तौर पर हम सभी लोग मानते हैं कि सूरदास की भक्ति सख्य भाव की भक्ति थी, लेकिन उस भक्ति का व्यवहारिक आधार क्या है? उस भक्ति का व्यवहारिक आधार है पुष्टि मार्गीय भक्ति। अब ये पुष्टि मार्ग क्या है? पुष्टि मार्ग वो मार्ग है जिसकी स्थापना वल्लभाचार्य जी के द्वारा की गई थी, और इसमें ये माना जाता है कि ईश्वर को संपूर्ण रूप से अपने आप को भक्त समर्पित कर देता है और फिर ईश्वर के अनुग्रह पर, उसकी कृपा पर उसका जीवन चलता है, और वो ईश्वर की कृपा, ईश्वर की अनुग्रह पर विश्वास करना ही पुष्टि मार्गीय भक्ति का मूल आधार है। बिल्कुल सरल शब्दों में आप इसको समझ लेंगे कि पुष्टि मार्गीय भक्ति वो होती है जिसमें भक्त अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है और उन्हीं के अनुग्रह पर अपना जीवन जीता है। भक्ति का दार्शनिक आधार क्या है? भक्ति का दार्शनिक आधार है, क्योंकि बहुत सारे भक्ति काल में बहुत सारे दार्शनिक मत
दार्शनिक संप्रदाय प्रचलित हुए और उनमें से एक था शुद्धाद्वैतवाद। और शुद्धाद्वैतवाद का अर्थ क्या है उसको भी समझ लेंगे आप। देखिए इसमें दो शब्द हैं, ये पहली बात तो इसको एक कर लेंगे शब्द को, एक शब्द है शुद्ध और दूसरा है अद्वैत। शुद्ध का मतलब पूरी तरह से शुद्ध अद्वैतवाद। अब शुद्ध अद्वैतवाद क्या है? शुद्ध अद्वैतवाद का मतलब है माया रहित, माया रहित द्वैत, यानी शुद्धाद्वैतवाद में माया को स्वीकार नहीं किया गया है। जबकि अद्वैतवाद जो इसके बिल्कुल विपरीत है, उस अद्वैतवाद में शंकर के द्वारा जो प्रचलित किया गया, प्रचारित किया गया, उसमें माना गया है, हम कबीरदास के को जब पढ़ रहे थे तब हमने इस बात को समझा था कि आत्मा और परमात्मा एक दूसरे का अंश है, लेकिन माया के वशीभूत होकर यानी अज्ञानतावश आत्मा अपने वास्तविक मूल स्वरूप को पहचान नहीं पाती। यानी अद्वैतवाद में माया को आत्मा और परमात्मा के मिलन में बाधक माना गया है। और दूसरी बात ये कि अद्वैतवाद जगत को भी, संसार को भी मिथ्या मानता है, झूठ मानता है, लेकिन शुद्धाद्वैतवाद जगत को भी सत्य मानता है, ब्रह्म को भी सत्य मानता है और इसके अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं है, जीव को भी सत्य मानता है और जीव भी कुछ अन्य नहीं है बल्कि क्या है, आत्मा का, पर आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो अद्वैत शब्द है वो किस ओर संकेत करता है? वो संकेत करता है आत्मा और परमात्मा की एकता पर। और शुद्ध शब्द संकेत करता है माया रहित एकता पर, यानी माया का यहाँ कोई अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया है और जगत को भी सत्य माना गया है और ब्रह्म को भी सत्य माना गया है और जीव भी ब्रह्म का अंश है। ये तीनों बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं, ये है शुद्धाद्वैतवाद। तो आपके लिए ये कंठस्थ कर लेना है आपको कि आपकी भक्ति पद्धति सख्य वात्सल्य और माधुर्य भाव की थी, व्यवहारिक रूप से उसका आधार पुष्टि मार्ग था, पुष्टि मार्गी आधार था जिसकी स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की थी, और दार्शनिक दृष्टि से देखें तो आपकी भक्ति का आधार था शुद्धाद्वैतवाद। उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों बिंदु आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब क्योंकि सूरदास की जो रचनाएं हैं उनके नाम बहुत सारी कृतियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन वे सभी अप्रामाणिक हैं, अधिकांशतः अप्रामाणिक हैं और उनमें वो विवादित हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण मान्य मत जो उनकी रचनाओं के विषय में है वो है डॉक्टर दीन दयालु गुप्त का, जिसका संकेत, जिसका उल्लेख डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में भी किया है। तो डॉक्टर दीन दयालु गुप्त ने 25 पुस्तकों का उल्लेख किया है जो सूरदास की रचनाएं मानी जाती हैं, और उनमें से आज तक केवल और केवल 7 रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। उनमें से 7 रचनाएं ये हैं जो कि प्रकाशित हैं, यानी मूल ग्रंथ, मूल पुस्तकों की संख्या मानी गई है 25 और उसमें से 7 केवल प्रकाशित हो पाई है। और ये मत किसका है? डॉक्टर दीन दयालु गुप्त का है। दीन दयालु गुप्त के इस मत के समर्थक डॉक्टर नगेंद्र भी हैं, ऐसा जिक्र उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये जो 7 प्रकाशित ग्रंथ हैं वो है सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर पच्चीसी, सूर रामायण और सूर साठी राधा रस केली। ये 7 ग्रंथ यहाँ पर माने गए हैं उनके प्रकाशित। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रमुख रचनाओं के रूप में सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली को स्वीकार किया है। कैसी रचनाएं? प्रमुख रचनाएं उनकी दृष्टि में इन 7 रचनाओं में से भी सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य लहरी को संदेहास्पद मानते हैं, यानी प्रामाणिक नहीं मानते, और दूसरे अनेक ऐसे विद्वान हैं जो सूर सारावली को अप्रामाणिक मानते हैं। आपको इस तथ्य को भी ध्यान में रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस ग्रंथ को साहित्य पे आ की मात्रा लगा लेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस ग्रंथ को संदेहास्पद मानते हैं, साहित्य लहरी ग्रंथ को संदेहास्पद मानते हैं, जबकि अन्य विद्वान किसको मानते हैं, सूर सारावली को साहित्य अप्रामाणिक मानते हैं। आगे चलते हैं। सूर सागर की जो रचना है
अब ये जो सूर सागर महत्वपूर्ण कृति है उनका साहित्यिक परिचय यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो सूर सागर की जो रचना है वो भागवत पद्धति पर द्वादश स्कंधों में की गई है। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर सागर का जो मूल उपजीव्य ग्रंथ है वो कौन सा है, श्रीमद् भागवत महापुराण। और श्रीमद् भागवत महापुराण का विभाजन, उसके अध्यायों का विभाजन मोटे तौर पर खंड जिसको हम कहते हैं स्कंधों के रूप में किया गया है, और वो स्कंध अध्यायों में विभाजित है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें कुल भागवत पुराण में कुल कितने स्कंध है, द्वादश यानी 12 स्कंध है। और इसी को आधार बनाकर, इसी रचना शैली को आधार बनाकर सूरदास ने सूर सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी। साहित्य लहरी सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे कि साहित्य लहरी किस प्रकार की रचना है। अब ये दृष्टकूट पद क्या होते हैं, दृष्टकूट पद वो पद होते हैं दोस्तों जिनमें बहुत गुप्त और सांकेतिक तरीके से बहुत गहरी बात कवि के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। देखने में अर्थ कुछ और होता है लेकिन व्यंजित भाव कुछ और होता है, ऐसे जो पद होते हैं वो दृष्टकूट पद कहलाते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता होती है अर्थ गोपन शैली, यानी अर्थ को छिपाकर रहस्यात्मक तरीके से अभिव्यक्त करना, और अलंकार निरूपण की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। विशेष को सही कर लेंगे तो अर्थ किस किस दृष्टि से, साहित्य लहरी ग्रंथ जो है वो बहुत प्रसिद्ध है इसलिए कि इसमें दृष्टकूट पदों का संग्रह है जिसमें अर्थ गोपन शैली है, और अलंकार निरूपण की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यहां भी आ की मात्रा लगा लेंगे। आचार्य शुक्ल ने सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट और जीवनोत्सव का कवि कहा है, ये दोनों बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। आचार्य शुक्ल के सूरदास के विषय में जितने भी मत हैं उनको आप कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि हर परीक्षा में आचार्य शुक्ल का जो मत है कवियों के संदर्भ में उस पर आधारित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि वात्सल्य रस सम्राट कहने वाले सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट कहने वाले विद्वान कौन है, तो आचार्य शुक्ल। किस विद्वान ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है, तो क्या कहेंगे, आचार्य शुक्ल। सूरदास की मृत्यु पर, अब ये भी एक तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि सूरदास की मृत्यु पर गोस्वामी विट्ठलनाथ कौन है, वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने शोकाकुल होकर कहा, क्या कहा, इस कथन को देकर के प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेओ। यानी सूरदास जब इस संसार से विदा हो रहे थे तो विट्ठलनाथ ने ये कहा कि ये जो व्यक्ति इस संसार से विदा हो रहा है ये वास्तव में पुष्टि मार्ग का जहाज है। जहाज किस काम आता है, जहाज इस काम आता है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं, तो पुष्टि मार्ग को आगे विकास के पथ पर बढ़ाने में, उसका संवर्धन करने में सूरदास की अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा, इस बात की ओर संकेत करता है ये कथन। तो इसे ध्यान में रख लेंगे कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया और किसके लिए कहा गया, दोनों ही तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। सूरदास को खंजन नयन भावाधिपति नामों से भी पुकारा जाता है, यानी किस भक्ति काल के किस कवि को खंजन नयन या भावाधिपति कहकर पुकारा जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए सूरदास। इस तरह का प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। आचार्य शुक्ल का के दो मत और महत्वपूर्ण है सूरदास के विषय में कि सूर अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना छानाए हैं, ये मत भी आचार्य शुक्ल के द्वारा अभिव्यक्त किया गया सूरदास के वात्सल्य रस के वर्णन के को ध्यान में रखते हुए। उसके अलावा सूरदास में जितनी सहृदयता और भावुकता है उतनी ही चतुरता और वाग विदग्धता भी है। इस तरह के प्रश्न तो जब एमए बीए वगैरह की परीक्षाएं देते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके पाठ्यक्रम में अगर सूरदास हैं तो इस तरह का प्रश्न सूर पर आलोचनात्मक लेखन के लिए भी आता है। तो ये कथन भी किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, अब यहां से शुरू होते हैं भ्रमर गीत सार के जो हमारे 1 से 20 तक के जो पद हमारे पाठ्यक्रम में हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे हम यहाँ। आप बहुत सरल हैं, भाषा बहुत सरल है, कोई भी कठिन शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जो कठिन शब्द लगेंगे मैं उनके अर्थ आपको अवश्य बताऊंगी।
इनको इनके अर्थ को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके अर्थ पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये पहला पद है, और देखिए क्योंकि कबीर के पदों की राग के विषय में प्रश्न पूछा गया था इसलिए मैंने राग का नाम भी यहां पर लिखा है, तो आप इस बात को भी ध्यान देंगे कि ये पद राग सारंग में लिखा हुआ है। दूसरी बात, 1 से 11 तक जितने भी पद हम पढ़ेंगे वो सारे पद श्री कृष्ण के वचन हैं जो उन्होंने ब्रज भेजते समय उद्धव से कहे। तो श्री कृष्ण का वचन उद्धव के प्रति यहां से शुरू होते हैं और 11 पदों तक लगातार श्री कृष्ण के वचन उद्धव के लिए जो कहे गए उन्हीं का वर्णन अलग अलग पदों में किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं। पहले करे पर नाम नंद सो समाचार सब दीजो, यानी उद्धव को ब्रज भेज रहे हैं श्री कृष्ण और वो कहते हैं कि हे मित्र जब तुम ब्रज जाओ तो सबसे पहले नंद बाबा के द्वार पर जाना, यानी मेरे पिता नंद से मिलना और उनको सबसे पहले प्रणाम करना, क्योंकि वे बड़े हैं, मेरे पिता हैं, सम्माननीय हैं, तो सबसे पहले उनको प्रणाम करना। उसके बाद यहाँ का जितना भी कुशल समाचार है, मथुरा में हम कैसे रह रहे हैं दोनों भाई, हम क्या क्या गतिविधियां हमारी चल रही हैं, वो सारे समाचार उनको देना। उसके बाद और वहां वृषभानु गोपसो जाए सकल सुधि लीजो, और उसके बाद नंद बाबा से मिलने के बाद जो गोप वृषभानु हैं उनके पास जाना। वृषभानु कौन है? वृषभानु है राधा जी के पिता, इसलिए राधा जी का एक नाम वृषभानुजा भी है, यानी वृषभानुजा का अर्थ होता है वृषभानु की पुत्री। तो वृषभानु गोप से मिलना और उनके सारे समाचार लेना। सकल सुधी, सकल मतलब सारे, सुधी यानी समाचार, हालचाल। सुधी का एक अर्थ स्मृति भी होता है लेकिन यहां स्मृति से मेल नहीं बैठेगा अर्थ का, तो हमें लेना है इसका अर्थ कि सारे समाचार सारे हालचाल लेना। श्री दामा आदिक सब ग्वालन मेरे हुतों भेटियो, हुतों का अर्थ होता है लिए और ओर से। अब यहां पर क्या अर्थ बैठेगा कि मेरी ओर से, मानो कि तुम उद्धव नहीं बल्कि मैं तुम्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में भेज रहा हूं, तो श्री दामा और आदि जो भी ग्वाल हैं उन ग्वालों से तुम मेरी ओर से मिलना, भेटियों भेंट करना, मेरी ओर से मिलना। सुख संदेश सुनाए हमारो गोपिन को दुख मेटियो, और फिर उसके बाद गोपियों के पास जाना और गोपियां मेरे विरह की पीड़ा में व्यथित हैं, दुखी हैं, तो उनको मेरे, मैं प्रसन्नता पूर्वक हूं, आनंद पूर्वक हूं, मेरे सुखी होने का, मेरे आनंद पूर्वक होने का संदेश उनको सुनाना जिससे कि गोपियों का जो दुख है वो मिट जाए, यानी मेरा सुख का संदेश देकर गोपियों की पीड़ा को दूर करने की कोशिश करना, उन्हें मिटाने की कोशिश करना। अब इसके बाद किससे मिलना है, देखिए इस क्रम को याद रखेंगे क्योंकि इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। पहले नंद बाबा को प्रणाम करना है यानी नंद बाबा से मिलना है, उसके बाद वृषभानु से मिलना है, उसके बाद सभी श्रीदामा आदि गोपों से मिलना है, उसके बाद गोपियों से मिलना है, और उसके बाद मंत्री एक बन बसत हमारो ताहे मिले सच पाइयो, और इसके बाद वन में, जो वहां का वन है गोकुल के आसपास का वृंदावन, वहां पर एक मंत्री रहता है, उसे मिलकर सचु यानी सुख प्राप्त करने की कोशिश करना, सुख प्राप्त करना। मंत्री एक बन बसत, बन बसत में छेका अनुप्रास अलंकार हो गया है, तो बन में रहता है, उससे मिलना और सुख प्राप्त करना। सावधान हुए मेरे हुतों ताही माथ नवाई, और बहुत सजगता से बहुत सावधानी से मेरे हुतों मेरी ओर से मेरे लिए उसको मस्तक झुका करके, नवाइयो यानी झुकाकर, मस्तक झुकाकर उनको प्रणाम करना। अब वो मंत्री कौन है? वो मंत्री है राधा। ये मंत्री शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है ये भी आपको ध्यान में रखना है, मंत्री शब्द यहां प्रयुक्त किया गया है राधा जी के लिए। अब कैसी है राधा जी, उनके स्वरूप का, वो मंत्री का स्वरूप कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है, उसका वर्णन आगे की पंक्तियों में है। सुंदर परम किशोर, एक तो वे अत्यधिक सुंदर हैं, और उनकी कौन सी वयक्रम यानी आयु, वयक्रम यानी आयु, आयु की दृष्टि से उनकी कौन सी अवस्था चल रही है, किशोरावस्था यानी किशोर आयु है उनकी।
चंचल नयन विशाल और उनके जो नेत्र हैं वो विशाल हैं, विशाल हैं और उनमें चंचलता छाई रहती है, यानी उनके नेत्र विशाल और चंचल हैं। कर मुरली, कर मतलब हाथ, हाथ में वे मुरली लिए रहती हैं, सिर पर मोर पंख धारण करती हैं और शरीर पर पीतांबर धारण करती हैं और उर यानी उनके हृदय पर यानी उनके वक्षस्थल पर वन माला यानी वन के पुष्पों की जो माला है वो शोभायमान होती है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये पूरी की पूरी वेशभूषा किसकी है, कृष्ण की। अब कृष्ण की वेशभूषा को राधा धारण कर रही हैं, ये इस बात का संकेत है कि वे स्वयं को कृष्ण से अलग समझती ही नहीं, ये उनके प्रेम की एक निष्ठता है, तो वे उसी रूप में रहना पसंद करती हैं जिस रूप में कृष्ण रहते हैं। वे अपने भीतर कृष्ण के अस्तित्व को निरंतर महसूस करती हैं, यानी ये आत्मा और परमात्मा की एकता की ओर संकेत किया गया है। तो कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर बनमाल, जन डरियो तुम सघन वनन में ब्रज देवी रखवार। और जब तुम उन घने वनों में जाओ, वो वन बहुत घना है लेकिन तुम डरना मत, वन घना जरूर है लेकिन तुम्हें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। क्यों? क्योंकि वहां पर ब्रज देवी निरंतर सुरक्षा के लिए विद्यमान रहती हैं, मौजूद रहती हैं। तो कौन सुरक्षा के लिए वन में रहती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ब्रज देवी रहती हैं। वृंदावन सो बसत निरंतर कबहु न होत नियार, और वे हमेशा वृंदावन में ही वास करती हैं और कभी नियार यानी वृंदावन से अलग नहीं होती। कौन नहीं होती? ब्रज देवी। यानी ये पंक्ति किसके लिए कही गई है? ये पंक्ति ब्रज देवी के लिए कही गई है। उद्धव प्रति सब कही श्यामजू अपने मन की प्रीति, सूरदास कृपा करे पठे यह सकल ब्रज रीति। अब सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार श्यामजू यानी श्री कृष्ण ने उद्धव से अपने मन की सारी ब्रज प्रदेश के प्रति जो प्रेम भावनाएं थी वो कह दी और उन्हें कृपा करके अनुग्रह करके ब्रज भेजा, क्योंकि ब्रज की यही परंपरा है, ब्रज की यही परंपरा है, यानी सबके प्रति प्रेम का व्यवहार करना ही ब्रज की परंपरा है, इस बात की ओर यहां संकेत किया गया है। अब ध्यान देना है कि सूरदास कृपा कर पठे, उद्धव पर कृपा कही मतलब उद्धव को भेज रहे संदेशवाहक बनाकर, तो इसमें कृपा क्या है? इसमें कृपा ये है दोस्तों कि वे उद्धव के मित्र थे। कौन? श्री कृष्ण। और वे जानते थे कि उनका मित्र बहुत गुणी है, ज्ञानी है, लेकिन ज्ञान का अहंकार भी है उसे। तो उन्होंने गोपियों को ज्ञान योग की शिक्षा देने के बहाने उन्हें प्रेम योग की शिक्षा देने के लिए भेजा, और ताकि उनके व्यक्तित्व का जो थोड़ा सा बुरा पक्ष है, जो दोषपूर्ण पक्ष है, उसे दूर कर उनके व्यक्तित्व को निर्मल किया जा सके। तो इस कृपा की ओर यहां संकेत किया गया है। आगे चलते हैं। आप देखिए भावार्थ पर बिल्कुल सरसरी नजर डालेंगे क्योंकि बहुत सरल है और समझ में आ गया है आपको। पहले आप नंद जी से प्रणाम कीजिए और उसके बाद उन्हें सब समाचार दीजिए, फिर वृषभानु गोप के पास जाकर उनकी सुधि लीजिए, श्री दामा आदि ग्वालों को मेरी ओर से भेंटिए, गोपियों को हमारा सुख संदेश सुनाकर उनके दुख दूर कीजिए, गोकुल में आपको हमारा एक मंत्री राधा मिलेगा, उससे मिलकर आपको सुख मिलेगा, आप मेरी ओर से उसे स्नेह और स्मरण वश माथा झुकाइए, वह परम सुंदर और किशोर है, उसके नेत्र विशाल और चंचल हैं, हाथ में मुरली सिर पर मोर पंख और गले में वन माला है, आप घने वनों में, देखिए यहां एक चीज रह गई है, मोर पंख, शरीर पर पीतांबर और गले में वनमाला है, आप घने वनों में डरना नहीं, वहां पर ब्रज देवी रखवाली करने वाली हैं, वह सदैव वृंदावन में रहती हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने उद्धव से ब्रजवासियों के प्रति अपने मन के प्रेम को कह दिया, यानी अभिव्यक्त कर दी सारी भावनाएं। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार श्री कृष्ण ने कृपा करके ब्रजवासियों को सुख देने के लिए उद्धव को भेज दिया। आगे चलते हैं। अगला पद आ गया है, दूसरे नंबर का पद है, राग सोरठ में लिखा गया है। राग सोरठ में कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कही और नंद कठोर भाई। देखिए सबसे पहले तो उन्होंने क्या क्या करना है, किस किस से किस क्रम में मिलना है, ये बात पहले पद में बता दी श्री कृष्ण ने उद्धव को। उसके बाद इस पद के माध्यम से वो अपनी भावनाएं व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले वे कहते हैं कि जब आप नंद बाबा से मिलो तो उनसे क्या कहोगे, उनसे मेरा संदेश देना कि कहियो नंद कठोर भय,
कि आप वे मेरी ओर से, मैं जो कि उनका पुत्र हूँ, मेरी ओर से उन्होंने बहुत कठोरता धारण कर लिया है, वे मेरे लिए बहुत कठोर हो गए हैं। क्यों कठोर हो गए हैं? क्योंकि हम दो वीरे डारे पर घरे मानो धाती सौंप गए, कि उन्होंने हम दोनों वीरों यानी भाइयों को, कौन कौन से भाई हुए? कृष्ण और बलराम। कृष्ण और बलराम को दूसरे के घर, पर घरे यानी दूसरे के घर, डारी यानी डालकर यानी भेजकर यानी उपेक्षा पूर्वक भेजकर कि भाई जाओ, जैसे उन्हें हमसे कोई आत्मीयता, कोई लगाव, कोई स्नेह है ही नहीं। हम दोनों कृष्ण और बलराम भाइयों को दूसरे के घर डालकर, दूसरे के घर से क्या संकेत है? मथुरा भेजकर इस प्रकार से हमसे उदासीन हो गए कि मानो उन्होंने अपनी थाती, अपनी अमानत, थाती का मतलब होता है धरोहर, अमानत को सौंप कर निश्चिंतता पाली हो, निश्चिंतता का अनुभव कर लिया हो। देखिए, मानो शब्द का यहां पर प्रयोग किया गया है, वाचक शब्द है, तो यहां उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो किस तरीके से उन्होंने हमसे कठोरता धारण कर ली है? मानो मथुरा में हमें सौंप कर, दूसरे के घर में हमें सौंप कर वे निश्चिंत हो गए हो, मानो हम मथुरा की ही अमानत थे और मथुरा को लौटाकर वे निश्चिंत हो गए हैं। कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय है कि हमें मथुरा की ओर भेजकर उन्होंने कभी हमारी खोज खबर नहीं ली, कभी हमारे हालचाल जानने की कोशिश नहीं की। यही कारण है कि हमें ऐसा लगता है कि वे हमारी तरफ से बहुत कठोर हो गए हैं। तनक तनक ते पाले बड़े किए बहुते सुख दिख रहा है, जबकि हम भूले नहीं है कि हम बहुत छोटे थे। तनक तनक यानी छोटे, छोटे छोटे थे हम, हमको उन छोटे पन से, बचपन से पाल कर उन्होंने बड़ा किया और बहुते सुख दिखलाए। और हमें बाल्यकाल में जब तक हम वहां रहे, हमें विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान की, आनंद पूर्ण जीवन हमें प्रदान किया। देखिए, तनक तनक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब किस प्रकार के सुख दिए, कैसे उन्होंने पाल पोस कर हमें बड़ा किया? गोचारण को चलत हमारे पीछे कोसन धाये, कि वे हमारा इतना ध्यान रखते थे कि जब हम गाय चराने जाते थे, गोचारण गाय चराने जाते थे, तो वे हमारे पीछे कई कोश तक धारे धाये यानी दौड़े चले आते थे, यानी कई कोश तक, केवल ये देखने के लिए कि कहीं हमें कुछ हो ना जाए, हमारे देखभाल करने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए कई कोस तक हमारे पीछे दौड़े चले आते थे, इतना ध्यान वे रखते थे। और ऐसे नंद बाबा ने अब हमारे प्रति इतना कठोर रुख अपना लिया है। ये वसुदेव देव की हमसो कहत आपने जाए, और यहाँ जो मथुरा में वसुदेव और देव की है, वे हमें अपना पुत्र बताते हैं और कहते हैं कि हमें उन्होंने ही जाए यानी जन्म दिया है। बहुरी विधाता जसुमति जू के हम ही न गोद खिलाए, और उनकी पीड़ा क्या है? कृष्ण की, कृष्ण की पीड़ा है कि यहाँ पर इस मथुरा नगरी में सब हमें वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जानते हैं, कोई भी हमें जसुमती जू यानी यशोदा मैया के द्वारा गोद में खिलाए गए यानी पाल पोसकर बड़े किए गए पुत्र के रूप में कोई हमें यहाँ मानता नहीं है। ऊपर से ये हमें विधाता यानी ईश्वर और मानते हैं, जबकि हमें बच्चे के रूप में, एक बालक के रूप में यहाँ कोई स्वीकार नहीं करता। कौन काज यह राजनगर को सब सुख सो सुख पाए, सूरदास ब्रज समाधान करो आज काले हम आए। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि यहाँ ये राज हमारे लिए, जो मथुरा का राज्य है, ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। कौन काज यह राज, ये राज हमारे किसी काम का नहीं है। नगर को सब सुख सो सुख पाए, यहाँ पर हालांकि सारी सुख सुविधाएं, पूर्ण ऐश्वर्य है, वैभव है, लेकिन ये इनसे हमें कुछ भी सुख प्राप्त नहीं होता। सूरदास कहते हैं कि उद्धव से ब्रज जाते समय कृष्ण ने कहा कि ब्रज समाधान करो आज काले हम आए, कि तुम जाओ और ब्रजवासियों को हमारा ये संदेश दो कि बस हम इस मथुरा नगरी से, हमारा यहाँ मन नहीं लग रहा, इस मथुरा नगरी से आज या कल में आने ही वाले हैं। अब देखिए, तनक तनक में यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया, मैं आपको ये बता ही चुकी हूँ। आगे चलते हैं।
भावार्थ देखिए, नंद जी कठोर हो गए हैं, वे हमें दोनों भाइयों को श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा में इस तरह छोड़कर चले गए जैसे कोई अपनी धरोहर को वापस देकर निश्चिंत होकर बैठ जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की बात की थी मैंने, बालकपन में उन्होंने हमें बहुत से सुख दिए थे, हमारा पालन पोषण कर हमें इतना बड़ा किया, गोकुल में उनका इतना अधिक स्नेह था कि जब हम गऊओं को चराने जाया करते थे तो वे एक एक कोस तक हमारे संग ही चले जाया करते थे। यहाँ पर वसुदेव और देवकी हमें अपना पुत्र बतलाते हैं, फिर हमें विधाता समझते हैं और यशोदा जी के गोद खिलाए पुत्र के रूप में हमें यहाँ कोई नहीं समझता। ये नगर का राज्य किस काम का है, यहाँ सुख नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि तुम ब्रजवासियों को तसल्ली इस तरह से जाकर देना कि हम गोकुल को शीघ्र ही आने वाले हैं, मानो थाती सौंपी गए में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला पद आता है तीसरा पद, राग बिलावल में लिखा गया है, तब ही उपंग सुत आए गए, सखा सखा कछु अंतर नाही, भरे भरे अंक रहे। उपंग सुत किसके लिए आया है ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उपंग सुत शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया गया है, ये आपको भूलना नहीं है। यानी कवि सूरदास कहते हैं कि उसी समय उपंग सुत यानी उद्धव आ गए और उद्धव को देखने से क्या अनुभव हो रहा था, उद्धव को देखने से ऐसा लग रहा था कि सखा सखा यानी एक सखा कृष्ण के लिए और दूसरा सखा किसके लिए, उद्धव के लिए, यानी दोनों सखाओं में कुछ भी अंतर नहीं है, शारीरिक आकृति एक सी है, कोई भी अंतर नहीं है। भरे भरे अंक लय पुनरुक्ति अलंकार हो गया है, पुनरुक्ति प्रकाश, तो उन्हें देखते ही जैसे ही उपंगसुत यानी उद्धव आए, श्री कृष्ण ने उन्हें देखते ही गले लगाया और बहुत भावपूर्ण होकर, क्योंकि बहुत अच्छी मित्रता थी दोनों में, भरे भरे अंक लय यानी बहुत भावपूर्ण होकर के उन्होंने उन्हें गले से लगाया। अति सुंदर तन श्याम सरीखो देखत हरे पछताने हरी, यानी श्री कृष्ण को पछताने यानी पश्चाताप हुआ। क्यों पश्चाताप हुआ, इस बात को ध्यान देंगे कि जब उन्होंने देखा कि उद्धव जो उनके मित्र हैं उनका जो शरीर है वो श्याम के समान है, यानी जिस तरीके से कृष्ण का श्यामल शरीर था सुंदर, उसी तरह से उद्धव का भी श्यामल और सुंदर शरीर है। सरीखो का मतलब होता है समान, श्याम के समान सुंदर शरीर है, इसका ये अर्थ भी हो सकता है। देखत हरि पछताने, और इस बात को देखकर यानी उनके सौंदर्य को देखकर उन्हें पश्चाताप होने लगा, पछतावा होने लगा। क्यों होने लगा ये अगली पंक्ति में, ऐसे को वैसी बुद्धि होती ब्रज पठवे तब आने, कि अगर जितना इसका सुंदर शरीर है ऐसी ही सुंदर इसके पास बुद्धि भी होती तो मणि कांचन योग हो जाता, यानी तब सर्वश्रेष्ठ बात हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि जितना सुंदर शरीर है उतना ही ये प्रेम भाव से रहित है और ज्ञान योग में डूबा हुआ है, तो इसलिए ऐसे को वैसी बुद्धि, वैसी बुद्धि का मतलब है प्रेम भाव से परिपूर्ण बुद्धि होती, तो उसके लिए कहा गया है ब्रज पठवे तब आने। और तब कृष्ण मन ही मन सोचते हैं कि जब इनको ब्रज भेजा जाएगा, पठवे यानी भेजना, जब इन्हें ब्रज भेजा जाएगा तभी संभवतः वह प्रेम की बुद्धि इनके पास आएगी, यानी तब इनका व्यक्तित्व पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मन में उद्धव को ब्रज भेजते समय कृष्ण के मन में क्या उद्देश्य था, कृष्ण के मन में उद्देश्य था उनके ज्ञान के गर्व को चूर करना, यानी भ्रमर गीत का एक प्रमुख लक्ष्य माना गया है दोस्तों, निर्गुण ब्रह्म पर सगुण ब्रह्म की स्थापना करना, निर्गुण पर सगुण की विजय, ये एक उद्देश्य माना गया है भ्रमर गीत सार नामक कृति का। या आगे रस काव्य प्रकाशे जोग वचन प्रगटावे, सूर ज्ञान दृढ़ या के हृदय युवतिन योग चढ़ावे। अब कृष्ण सोचने लगते हैं मन में कि अब इनकी बुद्धि कैसी है, ज्ञान योग में से भरी हुई बुद्धि है, तो इनके आगे रस काव्य, रस का मतलब है यहां पर प्रेम, इनके समक्ष अगर प्रेम की बात करो, प्रकाशे यानी प्रेम की भावनाएं अभिव्यक्त करो, तो ये अपने योग के जो वचन है उनको अभिव्यक्त करने लग जाते हैं, उनको प्रकट करने लग जाते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि इनके बुद्धि में ज्ञान दृढ़ याके हृदय, इनके हृदय में ज्ञान योग दृढ़ता पूर्वक जमकर बैठा हुआ है, युवतिन योग सिखावे। इसलिए क्या करना चाहिए, तो कृष्ण मन ही मन सोचते हैं कि मैं इनको प्रेम में डूबी हुई युवतियों, ब्रज की युवतियां हैं यानी गोपियां हैं, उनको योग सिखाने के माध्यम से ब्रज बहाने से ब्रज भेजता हूं, ताकि इनकी इनका व्यक्तित्व पूरी तरह से विकसित हो जाए, इनका व्यक्तित्व प्रेम भाव से भर उठे, उसमें ज्ञान योग के प्रति दृढ़ता की जगह प्रेम की स्थापना हो जाए। आगे चलते हैं,
उसी समय उद्धव जी वहां आ गए, दोनों मित्र हैं, दोनों में कुछ अंतर नहीं है, शारीरिक साम्य भी है, आंतरिक साम्य भी है। श्री कृष्ण ने उन्हें गोदी में भर लिया और प्रगाढ़ आलिंगन किया। उद्धव जी का शरीर श्री कृष्ण के जैसा अत्यंत सुंदर था, यह देखकर श्री कृष्ण जी मन में पश्चाताप करने लगे, दुखी होकर सोचने लगे कि ऐसा सुंदर तन उद्धव को यदि उद्धव के पास है तो यदि ऐसी ही सुंदर बुद्धि भी होती तो बात ही कुछ और होती। श्री कृष्ण जी सोचते हैं कि यदि इनका प्रेम और भक्ति में भी विश्वास होता तो कितना अच्छा रहता, पर ये उद्धव ऐसे हैं कि इनके आगे यदि प्रेम भक्ति संबंधी बातें करो तो ये योग की वाणी ही बोलते हैं, यानी अपने योग के विचारों को अभिव्यक्त करने लग जाते हैं। सूरदास कहते हैं कि इनके हृदय में ज्ञान ने दृढ़ता पूर्वक स्थान जमा रखा है, यह युवतियों को योग सिखाकर देखें, यानी जब ये युवतियों को योग सिखाने जाएंगे तो उनको पूरा विश्वास था, किसको, कृष्ण भगवान को पूरा विश्वास था कि वे वहां से प्रेम भक्ति की शिक्षा लेकर ही आने वाले हैं। आगे चलते हैं, अगला पद भी राग बिलावल में ही है। हरि गोकुल की प्रीति चलाई, सुनहु पंग सुत मोहि न बिसरत ब्रजवासी सुखदाई। कृष्ण कहते हैं उद्धव से, हरि गोकुल की प्रीति चलाई का मतलब है कि श्री कृष्ण ने उद्धव के समक्ष गोकुल के प्रति अपने प्रेम की जो बातें हैं, गोकुल के प्रति जो प्रेम की बातें हैं उनका वर्णन शुरू कर दिया। सुनो उपंगसुत मोहि न बिसरत, और वो क्या कहते हैं उद्धव से कि हे उपंगसुत यानी हे उद्धव, सुनो मुझसे सुख देने वाले, सुखदाई यानी सुखदायक, सुख देने वाले ब्रजवासी, ब्रज के निवासी मोहि न बिसरत, मुझे से भुलाए नहीं भूलते। भुलाए नहीं जाते, यह चित्त हो तो जाऊं मैं अब ही, यहां नहीं मन लागत, और मेरा मन होता है कि मैं अभी तुरंत ही यहां से छोड़कर, इस मथुरा नगरी को छोड़कर, क्योंकि ये बहुत शुष्क नगरी है, यहां प्रेम का वो आनंद वो सुख नहीं है जो मुझे ब्रज में मिलता था, तो मेरा मन होता है कि मैं अभी तत्काल यहां से दौड़कर वहां चला जाऊं, क्योंकि यहां मेरा मन नहीं लगता। यहां कहां नहीं लगता, मथुरा नगरी में नहीं लगता। गोप सुग्वाल गाय बंचारत अति दुख पायो त्यागत, और वहां के दिन मुझे याद आते हैं, वहां पर जो गोप है वो प्रेम भाव से भरे हुए हैं, ग्वाले बहुत सुंदर भावों से युक्त हैं, वहाँ की गायों को जब हम वन चराया करते थे, उन सारी गतिविधियों को छोड़कर मथुरा आने में मुझे बहुत अधिक दुख का अनुभव हुआ, बहुत अधिक पीड़ा हुई, बहुत अधिक वेदना हुई। कह माखन चोरी कह जसुमति पूत जैव कर प्रेम, अब वो याद कर रहे हैं कि वहां पर माखन चुराने का सुख था, लेकिन यहां मथुरा नगरी में माखन चुराने का सुख नहीं है। वहां प्रातःकाल होते ही यशोदा मैया बड़े प्रेम से भोजन परोसती थी और कहती थी हे पुत्र जीमो, और प्रेम पूर्वक मुझे भोजन कराया करती थी, लेकिन यहां पर कोई मुझसे पूत जैव कहकर के, यानी हे पुत्र जीमो यह कहकर स्नेह पूर्वक भोजन कराने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। सूर श्याम के वचन सहित सुनि व्यापत आपन नैम, सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव यद्यपि श्याम के ये सारे वचन सुन रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे अपने ज्ञान योग के नियमों को याद कर रहे थे। ज्ञान योग के नियम को याद कर रहे थे, यानी अपने ज्ञान योग के विचारों में डूबे हुए थे, कहने को ऊपरी तौर पर वे उनकी प्रेम से भरी हुई बातें सुन रहे थे। आगे चलते हैं, श्री कृष्ण ने गोकुल की बातों को प्रेम पूर्वक याद किया, वे उद्धव से कहने लगे कि हे उद्धव सुनो मुझे ब्रज की याद नहीं भूलती, यानी ब्रज प्रदेश मुझे भुलाए नहीं भूलता, ब्रजवासी अत्यंत सुख देने वाले हैं, उनकी स्मृति मुझे सदा आती रहती है, मेरा मन होता है कि मैं अभी गोकुल चला जाऊं, मथुरा के वातावरण में मेरा मन नहीं लगता, गोकुल में गोप और श्रेष्ठ ग्वाले और वन में गाय चराने का सुख भी मिलता था, उन्हें त्यागते समय हमने अत्यंत दुख का अनुभव किया, ब्रज में हम माखन चुरा कर खाया करते थे, हम वह माखन चोरी अब यहाँ मथुरा में नहीं है, यानी वह सुख जो वहाँ मिलता था वो मथुरा में नहीं है। यशोदा वहाँ प्रेम पूर्वक कहा करती थी कि बेटा खा लो पूत जैम, श्री कृष्ण के प्रेम युक्त वचनों को सुनकर भी उद्धव के मन में उनकी योग साधना के नियम, योग के विभिन्न विधि विधान व्याप्त हो रहे थे, यानी उनका ध्यान पूरा का पूरा अपने ज्ञान योग में था। आगे चलें, अगला पद देखिए, पांचवें पद पर आ गए हैं हम लोग। राग रामकली में लिखा गया है ये, जदुपति लख्यो ते ही मुस्कात। अब देखिए पिछले जो पद है उससे इस पंक्ति को जोड़ेंगे,
क्या पिछली पंक्ति में कहा गया था, पिछले पद की आखिरी पंक्ति में कहा गया था कि जब अपने गोकुल के प्रति प्रेम के भाव को अभिव्यक्त कर रहे थे श्री कृष्ण उद्धव के सामने, तब उद्धव मन ही मन अपने ज्ञान प्रेम ज्ञान योग के नियमों में डूबे हुए थे। तो कृष्ण तो क्योंकि ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं, अंतर्यामी हैं, तो उन्होंने उद्धव के मन की उस स्थिति को जान लिया। और तब जदुपति, जदुपति किसके लिए कहा गया है, कृष्ण के लिए। तब जदुपति ने यानी श्री कृष्ण ने उन्हें मुस्कुराकर देखा, मुस्कुराकर देखा क्योंकि वे समझ गए थे कि उद्धव के मन में क्या चल रहा है। कहत हम मन रही जोई सोई भई यह बात। और मन ही मन क्या सोचा कि जो मैं सोच रहा था अपने मित्र के विषय में यानी उद्धव के विषय में कि ये ज्ञान योग इसके हृदय में दृढ़ता पूर्वक बैठा हुआ है, वही बात सिद्ध हो गई क्योंकि मैं इससे प्रेम की बातें कह रहा हूं, प्रेम योग की बातें कह रहा हूं और ये अपने ज्ञान योग में डूबा हुआ है। वचन प्रगट करने लागे प्रेम कथा चलाए, और फिर कृष्ण पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करने लगे यानी अभिव्यक्त करने लगे अपने ब्रज के प्रति प्रेम की जो कथा है उसका वर्णन उद्धव के सामने करने लगे। और क्या बोले, सुनो उद्धव मोहि ब्रज की सुधि नहीं बिसराए, कि हे उद्धव सुनो मुझसे ब्रज की जो स्मृति है याद है वो भुलाए नहीं भूलती। कैसे नहीं भूलती, रैन सोवत रात को जब मैं सोता हूं तब चलत जागत लगत नहीं मन आन। रात को सोते समय मन नहीं लगता, चलते समय मन नहीं लगता, जागते समय मन नहीं लगता, मन यहाँ कहीं मथुरा नगरी में लगता ही नहीं है। नहीं मन आन यानी कहीं भी किसी भी अन्यत्र जगह इतने स्थानों पर मन नहीं लगता, इसके अलावा भी किसी भी गतिविधि में मेरा मन नहीं लगता। नंद जसुमती नारी नर ब्रज जहां मेरो प्राण। अब क्या कहते हैं, अपने प्रेम को पूरी तरह से खोल कर रख दिया श्री कृष्ण ने यहाँ पर। वे कहते हैं उद्धव से कि हे उद्धव जहाँ नंद बाबा हैं, यशोदा जैसी मैया हैं, जहाँ गोप गोपियों जैसे नारी और नर हैं, जहाँ वो पूरा ब्रज प्रदेश है वहीं मेरे प्राण निवास करते हैं, वहीं मेरी आत्मा निवास करती है। यानी पूरी तरह से अपने हृदय के प्रेम भाव को, ब्रज प्रदेश के प्रति प्रेम भाव को अभिव्यक्त कर दिया श्री कृष्ण ने। कहत हरि सुनि उपंग सुत यह कहत हो रसरीत, सूर चितते टरत नाही राधिका की प्रीति। और अंत में क्या कहा, कहत हरि यानी कृष्ण श्री कृष्ण कहने लगे कि हे उपंग सुत, हे उद्धव सुनो मैं अपने प्रेम की ये बात बताता हूँ। रस शब्द यहाँ भी प्रेम का अभिव्यंजक है। तो कहते हैं मैं अपने प्रेम की बात बताता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे हृदय से, मेरे चित्त से राधिका के प्रति जो प्रेम भाव है वो एक क्षण के लिए भी टलता नहीं है यानी दूर नहीं होता। यानी निरंतर मैं राधा के प्रति अपने प्रेम में डूबा रहता हूं। आगे चलते हैं। उद्धव को श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए देखा और अपने मन में सोचने लगे कि उद्धव के बारे में हम जो सोचते थे उद्धव की आस्था ज्ञान में है वही बात रही। वे फिर उद्धव के सामने ब्रजवासियों के प्रेम की कथा चलाने लगे। हे उद्धव सुनो ब्रज की याद मुझसे भुलाई नहीं जाती, मेरा मन रात्रि में सोते समय, चलते समय, जागते समय किसी अन्य स्थान पर नहीं लगता है, मेरा ध्यान हमेशा ब्रज प्रदेश में ही लगा रहता है, मेरे प्राण वहीं पर पड़े रहते हैं जहां नंद यशोदा और वहां के अन्य नर और नारियां हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव सुनो प्रेम की रीति यही है जो मैं तुमसे कहता हूं। सूरदास कहते हैं कि मेरे चित्त से राधिका का प्रेम थोड़ी देर के लिए भी टलता नहीं है, अलग नहीं होता है। आगे चले, छठा पद आ गए हैं। छठे पद में राग सारंग में लिखा गया है ये पद, सखा सुनो मेरी एक बात, वहां वह लतागन संग गोपिन सुधि करत पछतात। अब श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि हे सखा, सखा हे मित्र सुनो मेरी एक बात सुनो। श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से कि मेरी एक बात सुनो, वहां लतागन संग गोपिन कि वहां की जब भी मैं ब्रज की कुंजों को, उनकी लताओं को याद करता हूँ, लतागन यानी लताओं को याद करता हूँ, बेलों जो वन में जो वृक्ष और लताएं थी उनको याद करता हूँ, तो मुझे क्या याद आता है, उन लताओं के कुंजों में मैंने गोपियों के साथ जो समय बिताया, जो रासलीला की, वो गोपियों की स्मृति भी मुझे आती है। और जब मैं उन्हें यहां नहीं पाता हूं तो मेरा मन अंदर ही अंदर पश्चाताप करने लगता है, पछताने लगता है। क्यों पछताने लगता है कि मैं इतने सुंदर सुखदायक ब्रज प्रदेश और वहां के नर नारियों को छोड़कर मथुरा भला क्यों आया।
कहाँ वह वृष भानु तनया परम सुंदर गात। और वहां पर एक और सुख था, गोप गोपियां तो थे ही, कुंज तो थे ही, उसके अलावा वहां पर वृष भानु की परम सुंदर शरीर वाली जो पुत्री थी यानी जो राधिका थी, उनके बिना तो मेरा मन बिल्कुल लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ मथुरा में वो सारे सुख मुझे मिलते नहीं। सुरति आए रास रस की अधिक जिए अकुलात। और जब इन सब के विषय में सोचता हूँ, लताओं के विषय में, गोपियों के विषय में, राधा के विषय में सोचता हूँ, तो मुझे रास रस यानी प्रेम का जो प्रेम की जो रास लीला थी उसकी स्मृति आने लगती है। सुरति यानी स्मृति, उसकी याद आने लगती है, उसकी स्मृति आने लगती है, और मेरे चित्त की, मेरे मन की, मेरे जी की व्याकुलता और अधिक बढ़ जाती है। सदा हिति है रहत नाही सकल मिथ्या जात, सूर प्रभु यह सुनो मोसो एक ही सुनात। ये पंक्तियां उद्धव कृष्ण से कहते हैं, सुनकर उनके प्रेम की बात उद्धव कहते हैं कि हे मित्र सुनो, ये जो सारा सकल सारा, ये जो सारा संसार है ये मिथ्या है। क्योंकि ज्ञान योग में विश्वास रखते हैं उद्धव, तो वे कहते हैं सारा संसार मिथ्या है, तो यहां पर जितने भी हित यानी जो प्रेम के संबंध हैं वे यहां हमेशा नहीं रहने वाले, इसलिए इनमें अपना मन लगाने की बजाय अच्छा है कि ब्रह्म में, ईश्वर में, उस परम चैतन्य पुरुष में मन लगाएं। ये कौन कह रहा है? ये उद्धव समझा रहे हैं कृष्ण को उनकी प्रेम की बातें सुनकर। सूर प्रभु यह सुनो मोसो एक ही सोनाथ। और सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव कहते हैं कि हे प्रभु, कृष्ण से कहते हैं हे प्रभु तुम मेरी एक बात को ध्यान से सुन लो कि एक ही से नाता रखना श्रेष्ठ है, एक ही से संबंध रखना श्रेष्ठ है। वो एक ही कौन है? वो एक ही है ब्रह्म। यानी ये सारे जो रिश्ते नाते हैं संसार के, ये सब तो मिथ्या हैं, थोड़े समय बाद समाप्त हो जाएंगे, इसलिए श्रेयस्कर यही है, कल्याणकारी यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति से नाता रखें, और वो है ब्रह्म, जो कि हमेशा रहने वाला है, अजर अमर और अविनाशी है। आगे चलते हैं। हे सखा उद्धव मेरी एक बात सुनो, जब मैं ब्रज की उन लताओं की याद करता हूँ, उन लताओं के साथ गोपियों का सामंजस्य होने के कारण गोपियों को याद करता हूँ, तो बहुत पछताता हूँ। यहाँ वह परम सुंदर शरीर वाली वृषभानु की पुत्री राधा कहाँ है? श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर उद्धव कहते हैं कि संसार के ये संबंध सदा नहीं रहते, इस संसार में सभी वस्तुएं मिथ्याएं, केवल एक ब्रह्म ही सत्य है। सूरदास कहते हैं कि उद्धव भी श्री कृष्ण को समझाते हैं कि केवल एक परमेश्वर से ही नाता रखना चाहिए, संसार के ये सभी संबंध क्षण भंगुर है, नष्ट होने वाले हैं। आगे चलते हैं, सातवें पद पर आ गए हैं, राग टोड़ी में लिखा गया पद है। कृष्ण कहते हैं उद्धव यह मन निश्चय जानो, मन क्रम वच मैं तुम्हें पठावत, ब्रज को तुरंत पलावो। के हे उद्धव, हे मित्र, तुम इस बात को निश्चय पूर्वक अपने मन में बिठा लो। क्या बिठाना है? कि मैं मन वचन, मन क्रम यानी कर्म और वच यानी वचन, मन कर्म और वचन से यानी पूरे हृदय से, पूरी भाव और बुद्धि के संतुलन के साथ मैं तुम्हें ब्रज को भेज रहा हूं। पठावत यानी भेज रहा हूं। ब्रज को तुरंत पलानो, पलानो मतलब प्रस्थान करो, इसलिए तुम क्या करो, ब्रज के लिए तुरंत प्रस्थान कर लो, यानी तुरंत वहां के लिए चले जाओ, रवाना हो जाओ। पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी ताके तुम हो गया था। अब मैं क्यों भेज रहा हूं? देखिए अंदर ही अंदर वो क्यों भेज रहे थे? गोपियों से उद्धव प्रेम योग की शिक्षा ले लें, प्रेम भक्ति की शिक्षा ले लें, इसके लिए भेज रहे थे, ये उनका मूल उद्देश्य था। लेकिन उद्धव को यह कहकर नहीं भेजा जा सकता था, क्योंकि अगर कृष्ण अपने इस मंतव्य को स्पष्ट कर देते तो उद्धव संभवतः ब्रज जाते ही नहीं। तो उनसे क्या कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैं तुम्हें मन कर्म और वचन से यानी अपनी पूरी निष्ठा और भावना के साथ तुम्हें भेज रहा हूं ब्रज, तुम तुरंत प्रस्थान करो। क्यों भेज रहा हूं? अब इसका कारण बताते हैं। पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी ताके तुम हो गया था, कि जो पूर्ण ब्रह्म है, जो संसार में व्याप्त है, जो संपूर्ण है, जो अविनाशी है, उसको, उसके स्वरूप को तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, यानी भाव क्या है कि तुम बहुत ज्ञानी हो। रेख न रूप जाति कुल नाही जाके नहीं पितु माता, ऐसे ब्रह्म के स्वरूप से तुम अच्छी तरह से परिचित हो, जिसकी कोई रेखाएं नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसकी जाति नहीं है, कुल नहीं है, और ना ही जिसके माता पिता हैं, यानी जो अजन्मा और अजर अमर है। ऐसे ब्रह्म के स्वरूप के विषय में तुम पूरी जानकारी, पूरा ज्ञान रखते हो। यह मत दे गोपिन कह आवहु विरह नदी में भासते, भासते मतलब डूबना।
और अब तुम क्या करो, गोपियां क्योंकि मेरे प्रेम के विरह में डूबी रहती हैं सारे समय, तो उनको ये ज्ञान दो। कौन सा ज्ञान दो? जो ज्ञान तुम्हारे पास निर्गुण ब्रह्म का है उसे गोपियों को समझा कर आओ, क्योंकि वे मेरे विरह रूपी नदी में डूब रही हैं। रूपक अलंकार हो गया यहां पर। सूर तुरति है जाए कहो तुम, ब्रह्म बिना नहीं आ सकते। और सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि हे मित्र, तुम तुरंत जाओ, वे मेरे विरह रूपी नदी में डूबी जा रही हैं, तो उनका जाकर उद्धार करो, अपने ज्ञान योग के द्वारा उद्धार करो, और उन्हें ये समझाओ कि ब्रह्म ज्ञान के बिना यानी ज्ञान योग के बिना आसति, आसति का मतलब है मुक्ति, इस संसार से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है मुक्ति मिलना। इस बात को गोपियों को अच्छी तरह से समझाओ ताकि मेरे प्रेम के वशीभूत होकर वे मेरे विरह में पीड़ित होने की बजाय ज्ञान योग को लक्ष्य बनाकर संसार सागर से मुक्त होने का प्रयत्न करें। तो मूल उद्देश्य ये ऊपरी तौर पर कहा गया है उद्धव से, लेकिन वास्तविक उद्देश्य ये था कि वे उद्धव को प्रेम योग का संदेश देना चाहते थे, प्रेम योग की सीख देना चाहते थे। आगे चलते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव, आप अपने मन में यह निश्चय कर लो कि मैं मन वचन और कर्म से तुम्हें ब्रज भेज रहा हूं, अतः आप वहां के लिए तुरंत प्रस्थान कीजिए। आप ज्ञानी हैं, आप ब्रह्म को जानते हैं कि वह पूर्ण है, अखंड है, अविनाशी है, और उसकी न तो कोई रूपरेखा है, न जाति है, न कुल है, और न माता पिता ही है, अर्थात ब्रह्म एक और अद्वितीय है। इस प्रकार का ज्ञान मार्ग का उपदेश आप गोपियों को भी दे आइए, वे मेरे विरह में बहुत दुखी हैं। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण जी कहने लगे कि उद्धव जी, आप गोपियों से जाकर यह कह दो कि इस प्रकार के ब्रह्म के ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। आगे चलें। अगला पद आ गया है, हम आठवें पद पर हैं। राग नट में लिखा गया पद है, उद्धव बेग ही ब्रज जाओ। अब श्री कृष्ण व्याकुल है जल्दी से जल्दी उद्धव को भेजने के लिए, तो वे कहते हैं कि हे उद्धव, जल्दी, बेगी मतलब जल्दी, जल्दी ही आप ब्रज के लिए प्रस्थान करो, जल्दी ही ब्रज चले जाओ। सूरत संदेश सुनाए मेटो बल्लभिन को दाओ। बल्लभिन यानी स्त्रियां, यानी नारियां, यानी कौन? गोपियां। दाहो मतलब जलन, किसकी जलन? विरह की जलन। कि अब तुम क्या करो कि मेरी जो सुरति संदेश सुनाए मेटो, अब मेरी स्मृति जो मैं वो जो डूबी हुई हैं उसको, मेरे सारे सुख समाचार का संदेश उनको देकर, उनका जो विरह की अग्नि में जो वो जल रही हैं, उन स्त्रियों की विरह की अग्नि को शांत करो, उसे मिटाओ। काम पावक तूल मैतन विरह श्वास समीर। अब उनकी स्थिति क्या है वो देखिए, वो कह रहे हैं वे काम रूपी अग्नि में रुई, तन रूपी रुई, उनका जो तन है वो रुई के स्वरूप में है, और वे काम रूपी अग्नि में जल रही हैं, और उनकी विरह की जो श्वास है, विरह की जो, विरह में जो वो श्वास ले रही हैं, सांसें ले रही हैं, वे श्वास की जो पवन है वो निरंतर उन्हें और अधिक पीड़ित और व्यथित कर रही है। तो काम पावक तूलमय तन, इसमें रूपक अलंकार हो गया। भसम नाहिन होन पावत लोचनन के नीर। लेकिन अब उनके आंखों, उनके नेत्रों से निरंतर आंसुओं की धारा प्रवाहित होती रहती है, और अग्नि भी उनके शरीर में जल रही है। किसकी? काम की अग्नि जल रही है, और विरह की हवा चल रही है, नेत्रों से जल बह रहा है, लेकिन वे फिर भी पूरी तरह से भस्म नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि उनके नेत्रों से निरंतर बहने वाला जल उन्हें उस अग्नि में जलने नहीं देता, भस्म होने नहीं देता। अजो लो यह भाते हुए है कछुक सजग शरीर। आज तक, अजो लो मतलब तक, आज तक, अजो लो यानी आज तक, इसी तरीके से क्यों? क्योंकि नेत्रों से बह रहे आंसुओं के जल के कारण वे भस्म नहीं हो पा रही हैं। इसी विधि से वे आज तक कुछ कुछ जीवित हैं, सजग हैं, यानी कुछ कुछ चैतन्य हैं, पूरी तरह से भस्म नहीं हो पा रही, समाप्त नहीं हो पा रहे हैं उनके शरीर, इसलिए वो अभी तक कुछ कुछ सजग हैं। इते पर बिनु समाधाने क्यों धरे तिये ती। लेकिन जब तक उनकी इस समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा, तब तक वे तिये यानी स्त्रियां भला कैसे धैर्य धारण करेंगी। कहो कहां बनाए तुम सो सखा साधु
प्रवीण सूर सुमति विचारिये क्यों जिए जल बिनु मीन। इसलिए हे मित्र मैं आपको वहां भेज रहा हूं क्योंकि आपके जैसा साधु यानी सज्जन, प्रवीण यानी चतुर ज्ञानी जो मित्र मेरे पास है वो उन्हें इस स्थिति से बाहर निकाल सकता है, उन्हें समझा बुझा सकता है, ज्ञान का संदेश देकर उनकी पीड़ा को मुक्त कम कर सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि सुमति विचारिए क्यों जिए जले बिन मीन। तो आप अपनी अच्छी बुद्धि से विचार करिए कि इस प्रकार से जल के बिना मछली की तरह तड़पती हुई वे गोपियां जो मेरे विरह में तड़प रही हैं वे भला किस प्रकार जिएंगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हे उद्धव, हे सखा, हे मित्र, आप तत्काल वहां के लिए प्रस्थान कीजिए और उन्हें धैर्य धारण करवाइए। आगे चलते हैं। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, आप शीघ्र ही ब्रज को जाओ और हमारा प्रेम संदेश सुनाकर प्यारी गोपियों का दुख दूर करो। कामरूपी अग्नि में तूल यानी रुई के समान उनके शरीर जल रहे हैं, उस पर विरह के श्वासों की समीर चल रही है, परंतु उनके शरीर नेत्रों से बहने वाले आंसुओं के जल के कारण भस्म नहीं हो पा रहे हैं। इन पंक्तियों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। देखिए कहना क्या चाहते हैं सूरदास जी कि कामरूपी अग्नि में गोपियां जल रही हैं, उनका शरीर कैसे जल रहा है, जैसे रुई अग्नि में जल पड़ते ही गिरते ही एक क्षण के अंदर भस्म हो जाती है, ऐसे जल रहा है, लेकिन उनकी सांसों की जो पवन है वो उस अग्नि को बढ़ा रही है, क्योंकि अग्नि को बढ़ाता कौन है, हवा से अग्नि बढ़ती है। तो अग्नि को निरंतर उनके श्वासों की विरह की श्वास, क्योंकि विरह में वो तेज तेज सांसें ले रही हैं तो वेग से हवा उनके मुख से बाहर निकलती है, तो उन श्वासों के कारण वो अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो रही है, लेकिन फिर भी वो भस्म नहीं हो पा रही है। तो भस्म नहीं हो पा रही है क्यों, क्योंकि उनके नेत्रों से बहने वाले आंसुओं के जल के कारण वो अग्नि अपने पूरे उग्र रूप को धारण कर उन्हें भस्म नहीं कर पा रही है। इस भाव को आप अच्छी तरह से अपने मन में बिठा लीजिए। आज तक उनका शरीर इसी तरह झुलसते झुलसते भी कुछ सजग बना हुआ होगा, अब भी यदि कोई समाधान न किया गया तो वे भला किस प्रकार धैर्य धारण करेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं तुम्हें और अधिक बातें बनाकर क्या कहूं, आप जैसा मित्र और चतुर सज्जन कौन हो सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी उद्धव से कहने लगे कि आप अपने विचार से कोई युक्ति निकाल लीजिए, अपने विचार से, जहां वो कहते हैं कि सुमति से विचारिए यानी अपनी अच्छी बुद्धि से सोचिए, जिससे जल के बिना मछली की तरह व्याकुल होकर मर रही गोपियां पुनः जीवन को प्राप्त कर सके। काम पावक तूलमय तन में रूपक अलंकार है। आगे चलते हैं, नवे पद पर हम आ गए हैं, राग सारंग में लिखा गया है ये पद। देखिए, पथिक संदेशों कहियो जाए। अब ये पथिक कौन है, पथिक है ब्रज के पथ पर जाने वाले उद्धव। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि इस पंक्ति में पथिक संबोधन किसके लिए है, तो उद्धव के लिए है। तो ब्रज के मार्ग पर जाने वाले जो पथिक हैं, यानी कौन है, उद्धव है, उनसे श्री कृष्ण कहते हैं संदेशों कही हो जाए कि हमारा ये संदेश देना, आवेंगे हम दो भैया मैया जने अकुलाए, कि हम दोनों भाई यानी श्री कृष्ण और बलराम जी, हम दोनों भाई शीघ्र ही लौट कर मथुरा से और ब्रज प्रदेश आएंगे। माता व्याकुल ना हो हमारी स्मृति में, अकुलाए नहीं हमारी याद में, बेचैन ना हो। याको बिलग बहुत हम मान्यो, बिलग यानी बुरा मानना। अब किस बात का बुरा माना है कृष्ण ने, कृष्ण कहते हैं कि याको बिलग बहुत हम मान्यो जो कही पठयो धाय, कि आपने जो हमको मथुरा विदा करते समय ये कहा था कि मैं तो तुम्हारी धाय हूं, तुम्हारा पालन पोषण करने वाली एक धाय माँ के समान हूं, एक ऐसी माँ के समान हूं जिसने केवल तुम्हारा पालन पोषण किया है, जन्म नहीं दिया, तो इसलिए मैं तुम्हें मथुरा अपने वास्तविक मूल माता पिता के पास भेज रही हूं। ये जो आपने हमें भेजते पठयो यानी भेजते समय, कहां भेजते समय, मथुरा भेजते समय, अपने आप को जो धाय कहकर हमसे कहा था, उस बात का हमने बहुत बुरा माना है। यानी कृष्ण कहते हैं कि हे मैया, आपने जो अपने आप को हमारी धाय कहकर संबोधित किया वो बात हमें अच्छी नहीं लगी, हमें बहुत बुरी लगी, हम बहुत पीड़ित हुए उस बात को सुनकर। अगली पंक्ति देखिए, कहलो कीर्ति मानिए तुम्हारी बड़ो कियो पाए प्याए। अब कृष्ण माता के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश, तुम्हारी प्रशंसा
कहां तक करें, क्योंकि माता की महिमा अपरंपार है, उसे शब्दों के द्वारा बांधा नहीं जा सकता। तो वो कहते हैं, कह लो कीर्ति मानिए तुम्हारी, तुम्हारी तुम्हारे उपकार, तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारी ममता का वर्णन हम कहां तक किए, क्यों करें, क्योंकि तुमने पाए यानी दूध पिला पिला कर, प्याए यानी पिलाकर, तुमने दूध पिला करके हमें बड़ा किया है। कहियो जाए नंद बाबा सो अरुगही पकड़ो पाए। और ये तो मेरी माँ से कहना यानी यशोदा मैया से कहना, और मेरे पिता से क्या कहना, नंद बाबा से क्या कहना। वो संदेश देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कहियो जाए नंद बाबा सो, कि नंद बाबा से हे उद्धव जाकर कहना अरुगही पकड़ो पाए, और कहते कहते उनके पैर मेरी तरफ से पकड़ लेना यानी उनका चरण वंदन करना, उनका चरण स्पर्श करना। दो दुखी होन नहीं पावे धूमरी धौरी गाय, कि वे मेरी जो दो मेरी प्रिय गायें हैं, कौन सी, धूमरी यानी धुएं के रंग की यानी काली श्यामा गाय, मेरी जो श्यामा और श्वेत, धौरी यानी श्वेत यानी सफेद, मेरी जो वो दो प्रिय गायें हैं श्यामा और धौरी यानी श्वेत गाय, वे दोनों मेरे वियोग में दुखी न होने पाए, इस बात का नंद बाबा विशेष ध्यान रखें। तो नंद बाबा के लिए क्या संदेश भेजा कृष्ण ने, इस बात को आप कंठस्थ कर लेंगे, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। किसका ध्यान रखने की बात की, किसके दुखी न होने की बात नंद बाबा से उन्होंने की, तो उनके लिए उन्होंने संदेश भेजा कि श्यामा और श्वेत जो मेरी प्रिय गायें हैं, वे मेरे वियोग में व्याकुल न होने पाएं, दुखी न होने पाएं, हे नंद बाबा हे पिता मेरी उन गायों का बहुत ध्यान रखना। यद्यपि मथुरा विभव बहुत है तुम बिन कछु न सुहाए। और ये पंक्ति किससे कही, किसके लिए कही गई है, नंद बाबा के लिए कही गई है। ये पंक्ति पूछकर ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि ये पंक्तियां कृष्ण ने किसके प्रति कही हैं। तो वे कहते हैं कि यद्यपि ये मथुरा नगरी बहुत वैभवशाली है, यहाँ बहुत सुख आनंद है, वैभव है, ऐश्वर्य है, लेकिन हे पिता हे नंद बाबा तुम्हारे बिना मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सूरदास ब्रजवासी लोगन भेटत हृदय जुड़ाए। और सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण उद्धव से बोले कि ब्रजवासी, ब्रज के जो लोग हैं उनसे मिलते ही हृदय प्रेम और आनंद के भाव से भर जाता है। हृदय जुड़ाना मुहावरा है, तो हृदय जुड़ाना यानी प्रेम भाव से, आनंद से भर जाना, प्रेम के आनंद से भर जाना। आगे चलते हैं। श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे पथिक, ब्रज की राह पर जाने वाले राहगीर, आप गोकुल में जाकर यशोदा जी से, हमारी माता से ये संदेश कह देना कि हम दोनों भाई यानी श्री कृष्ण और बलराम शीघ्र ही आएंगे, माता व्याकुल न हो। आपने हमें यह कहकर भेजा था कि मैं तो तुम्हारी पालन पोषण करने वाली धाय हूँ, धाय के समान हूँ, हमने इस बात का बड़ा बुरा माना है। आपके यश का गान हम कहाँ तक करें, आपने दूध पिला पिलाकर हमें इतना बड़ा कर दिया है। हे उद्धव, आप हमारी ओर से नंद बाबा के चरण छूना और उनसे ये कहना कि काली और सफेद गायें दुखी न हो, इसका वे ध्यान रखें। यद्यपि मथुरा में वैभव बहुत है, पर आपके बिना यह वैभव हमें अच्छा नहीं लगता, यहाँ की कोई वस्तु हमें नहीं भाती। सूरदास कहते हैं कि ब्रज के रहने वाले लोगों से मिलकर हृदय प्रसन्न हो जाता है, प्रेम के आनंद से भर जाता है। आगे चलते हैं, दसवें पद पर आ गए हैं। राग सारंग में ही लिखा गया है दसवां पद भी। तो देखिए, नीके रही और जसुमती मैया, अब माँ को फिर से एक संदेश भेज रहे हैं कृष्ण भगवान। तो वे कहते हैं उद्धव से कि मेरी माता को ये संदेश मेरी ओर से जाकर देना कि हे यशोदा मैया, आप नीके यानी स्वस्थ और आनंद से, स्वस्थ और प्रसन्न, अच्छी तरह से, नीके यानी अच्छी तरह से, यानी अच्छा कब होता है इंसान, जब खुश हो और स्वस्थ हो, तो स्वस्थ और प्रसन्न तरीके से रहना। आवेंगे दिन चारे पांच में हम हलदर धो भैया, या क्यों क्यों स्वस्थ और प्रसन्न रहना, क्योंकि हम चार पांच दिन में यहाँ का सारा काम मथुरा नगरी का करके, हम यानी मैं यानी श्री कृष्ण और हलदर यानी बलराम, हम दोनों भाई शीघ्र ही वहां लौट आएंगे। जा दिन ते तो हम तुमते बिछड़े काहू न कहो कन्हैया, क्योंकि हम खुद आपके बिना यहाँ बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, बहुत व्याकुल हैं, आपके वात्सल्य को, आपकी ममता के लिए हम तड़प रहे हैं, क्योंकि जिस दिन से हम तुमसे बिछुड़ कर हे माँ यहाँ मथुरा नगरी में आए हैं, उस दिन से हमें किसी ने भी
कन्हैया कहकर प्यार से नहीं पुकारा है, क्योंकि मथुरा नगरी में कृष्ण राजा थे और उनको वहां महाराज कहकर ही पुकारा जाता था। तो उनके कान क्या सुनने के लिए व्याकुल है? अपनी माता की आवाज में कन्हैया सुनने के लिए व्याकुल है। तो वे कहते हैं कि जिस दिन से हम तुमसे बिछुड़े हैं, हमसे किसी ने कन्हैया कहकर स्नेह और वात्सल्य में भरकर पुकारा नहीं है। कबहु प्रात न कियो कलेवो, सांझ न पीनी दैया। और यहाँ सारी सुख सुविधाओं के होते हुए भी प्रातःकाल जो आप माखन का कलेवा करवाती थी, वो नाश्ता, वो प्रातःकाल का कलेवा हमें नहीं मिला है। और शाम को जो आप गाय का धारोष्ण दूध, इस शब्द को आप देख लेंगे, धारोष्ण दूध क्या होता है? जो गाय के थनों से निकलता हुआ सीधा पीने के लिए दे दिया जाए, उसको धारोष्ण दूध कहते हैं। उसी दूध की यहां बात कर रहे हैं। ये जो धैया शब्द है, ये धैया शब्द का अर्थ है धारोष्ण दूध, यानी हम शाम को जो आप हमें धारोष्ण यानी गाय के थनों से निकलता हुआ गरम गरम दूध पिलाया करती थी, क्योंकि गाय के थनों से जब दूध तुरंत निकाला जाता है तो वो थोड़ा सा गर्म होता है, तो उसी के लिए बात कही गई है कि धारा से उष्ण हुआ जो दूध था वो आप हमें पिलाया करती थी। लेकिन यहाँ न जाने कितनी संध्याएं बीत गई, लेकिन हमें वो धारोष्ण दूध पीने का सुख यहाँ पर नहीं मिला। बंसी बेनु संभारे राखिया, और मेरी वंशी को हे मैया आप संभाल कर रखना। क्यों संभाल कर रखना? क्योंकि अबेर यानी देर से, सबेर यानी जल्दी, यानी अबेर सबेर यानी जल्दी, या तो देर रात को या सुबह सुबह जल्दी ही राधिका आ सकती है, और राधिका मेरे कुछ खिलौनों को चुरा कर न ले जाए, इस बात का हे माँ आप बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना। मत ले जाए चुराए राधिका कछुक खिलौनों मेरो, यानी कहीं ऐसा ना हो कि राधिका चुपचाप देर से या सुबह सुबह जल्दी आ जाए और चुपचाप से मेरे कुछ खिलौने चुरा कर ले जाए। तो इस बात का हे मैया हे माता आप विशेष ध्यान रखना। कहियो जाए नंद बाबा सो निपट निठुर जी यकीनो, और ये तो मेरी माँ से कहना, और मेरे नंद बाबा से, मेरे पिता से क्या कहना? श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, जाकर मेरे पिता से, मेरे नंद बाबा से कहना कि उन्होंने मेरी ओर से अपना हृदय बिल्कुल निष्ठुर कर लिया है, कठोर कर लिया है। पहले भी एक पद में इस तरह के भाव आ गए हैं, कहियो नंद कठोर भय, तो उसी तरह का भाव यहाँ है। जीए मतलब हृदय, अपने हृदय को मेरी ओर से बिल्कुल कठोर कर लिया है। सूर श्याम पहुंचाए मधुपुरी बहुरी संदेशो न लीलो, क्यों कठोर कर लिया है? क्योंकि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि श्याम हमको दोनों को मधुपुरी, मधुपुरी शब्द मथुरा के लिए है, कि हमको मथुरा पहुंचाकर फिर लौट कर, बहुरी यानी फिर लौट कर हमारी कुशल समाचार कभी नहीं लिए, यानी हमको एक बार भेज दिया तो उसके बाद जैसे हमें वो भूल ही गए हैं, दोबारा उन्होंने हमारे कुशल समाचार जानने की कोशिश नहीं की, हमारे संदेश को समझने की कोशिश, जानने की कोशिश नहीं की। तो इसलिए कृष्ण को लग रहा है कि जो नंद बाबा हैं उन्होंने उनकी तरफ से अपने हृदय को बिल्कुल कठोर कर लिया है। आगे चलते हैं। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि आप यशोदा मैया से जाकर कहना कि वे अच्छी तरह से अर्थात हमारे वियोग में व्यथित न हो। हम दोनों भाई, मैं और बलराम, 4-5 दिन में आएंगे। जिस दिन से हम आपसे बिछुड़े हैं तब से किसी ने हमें कन्हैया नहीं कहा। क्या चीजें उन्हें याद करती हैं, क्या चीजें उन्हें बेचैन करती हैं मथुरा में रहकर, उन बातों की ओर संकेत किया है कवि ने। न यहाँ हमें प्रातःकाल मक्खन और छाछ का कलेवा मिलता है, और न शाम के समय गायों के थन से निकलने वाला उसी समय का दूध मिलता है, जिसके लिए मैंने आपको एक शब्द बताया धारोष्ण दूध, आप याद रखेंगे। आप मेरी वंशी को संभाल कर रखना कि कहीं राधिका आकर मेरा कोई खिलौना न चुरा ले जाए। नंद बाबा से भी जाकर कहना कि आपने तो अपना हृदय बिल्कुल कठोर कर लिया है। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण कहने लगे कि नंद बाबा ने हमें मथुरा पहुंचाकर फिर हमारी कोई खबर सुधी नहीं ली। आगे चलते हैं, 11वें पद पर आ गए हैं। राग कल्याण में लिखा गया है 11वां पद, उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो, जदुपति जोग जान जी सांचो, नयन आकाश चढ़ायो। अब देखिए यहां पर उद्धव की जो मानसिक स्थिति है कृष्ण के संदेश को सुनने के साथ साथ उसके मन, उनके मन में क्या चल रहा है उसकी ओर संकेत यहां पर कवि ने किया है। कवि कहते हैं कि उद्धव के मन में और अधिक अभिलाषा बढ़ गई। अभिलाषा यानी चाह, किसकी? योग साधना और ज्ञान के प्रति उनका जो विचार पहले से ही दृढ़ था और अधिक दृढ़ हो गया। क्यों हो गया?
क्योंकि उन्हें ये लगने लगा कि जो कृष्ण हैं वो गोपियों को ज्ञान का संदेश देने के लिए उन्हें वहां भेज रहे हैं, ब्रज प्रदेश भेज रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जदुपति यानी श्री कृष्ण, कृष्ण को जदुपति क्यों कहा गया है? क्योंकि वे यादव वंश के थे और यादव का जो शब्द विकसित शब्द है, लोक भाषा का तद्भव है, वो है जदु। तो उनको यादव वंश का होने के कारण जदुपति यानी यादव वंश का स्वामी, पति मतलब स्वामी, जदुपति जोग जान जी ये सांचो। देखिए यहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया है कि उनको लगा कि जदुपति अर्थात श्री कृष्ण ने अब योग को मन ही मन स्वीकार कर लिया है। अब वो प्रेम कि मैं विश्वास नहीं करते, प्रेम भक्ति में विश्वास नहीं करते, बल्कि योग में विश्वास करने लगे हैं, ज्ञान में विश्वास करने लगे हैं। तो ऐसा सोचकर उद्धव के मन में ज्ञान योग के प्रति और भी अधिक दृढ़ भावना स्थापित हो गई। सांचो नयन आकाश चढ़ायो, और जैसे ही उनको यह एहसास हुआ कि श्री कृष्ण भी ज्ञान के उपासक होते जा रहे हैं, ज्ञान के समर्थक होते जा रहे हैं, तो उनके जो नेत्र हैं वो आकाश की ओर चढ़ गए। आकाश की ओर, ये एक मुहावरे का प्रयोग है, आकाश की ओर चढ़ने का मतलब है गर्व होना, गर्वोन्मत्त होना, यानी घमंड हो जाना, अहंकार हो गया उनको कि देखो मैं तो कितना अच्छा ज्ञानी हूं कि कृष्ण ने भी मेरी बात को मान लिया। नारिन पे मोको पठवत हो कहत सिखावन जो, क्यों? क्योंकि इसका प्रमाण क्या है कि कृष्ण भी योग में विश्वास करने लगे हैं? इसका प्रमाण यह है कि वे ब्रज की स्त्रियों के पास, नारिन पे, पे मतलब पास, मोको यानी मुझे, मुझे पठवत यानी भेजते हैं और कहते हैं, क्या सिखाना है मुझे नारियों को? योग सिखाने की बात कह रहे हैं। इसका मतलब है कि मन ही मन उन्होंने ज्ञान योग को स्वीकार कर लिया है। मन ही मन अब करत प्रशंसा है मिथ्या सुखभोग, इसका मतलब ये सोचकर उद्धव मन ही मन अपने मन में प्रशंसा करने लगे कि मेरा जो ये विचार है कि ये सारी सांसारिक सुख सुविधाएं जो है वो मिथ्याएं, ये पूरी तरह से सही है। क्यों? क्योंकि अब कृष्ण भी इस बात को मानने लगे हैं। तो मन ही मन वे अपने आप, अपने स्वयं की तारीफ करने लगे, अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे और उनका अहंकार और भी अधिक बढ़ गया। आयसु माने लिया सिर ऊपर प्रभु आज्ञा प्रणाम, और उन्होंने तुरंत आयसु यानी आज्ञा, श्री कृष्ण की आज्ञा को मान लिया, सिर माथे लिया। और क्यों? क्योंकि अब प्रभु की आज्ञा ही उनके लिए प्रमाण थी, यानी उसे उसका पालन करना उनका धर्म था। सूरदास प्रभु पठवत गोकुल, मैं क्यों कहूं कि आन, सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव अपने मन में ये समझने लगे कि प्रभु मुझे गोकुल में जब ज्ञान योग की शिक्षा देने के लिए भेज ही रहे हैं, तो मैं अन्य कोई चर्चा इनके सामने अब क्यों करूं? अब मेरा तो, मेरी भलाई, मेरा कल्याण इसी में है कि मैं चुपचाप ज्ञान योग की शिक्षा देने के लिए ब्रज प्रदेश चला जाऊं। आगे चलते हैं। श्री कृष्ण की बातें सुनकर उद्धव सोचने लगे कि श्री कृष्ण योग मार्ग में विश्वास करने लगे हैं, अतः वे अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए और उनके नेत्र आकाश में चढ़ गए, अर्थात उन्हें गर्व हो गया। श्री कृष्ण मुझे स्त्रियों के पास योग सिखाने के लिए भेजते हैं। अच्छा है, स्त्रियों को समझाना तो बहुत आसान है। वो सोचने लगे उद्धव कि स्त्रियां तो बहुत भोली भाली होती हैं, तो उन्हें तो बहुत आसानी से मैं योग की शिक्षा दे दूंगा। उद्धव मनी मन फूले नहीं समा रहे, वे आत्म प्रशंसा से व्याप्त होकर सोच रहे हैं कि संसार के सुख भोग वास्तव में मिथ्या हैं। तभी तो श्री कृष्ण पर योग का प्रभाव पड़ा है, उन्होंने श्री कृष्ण की आज्ञा को सिर माथे लिया, प्रभु की आज्ञा ही प्रमाण है, ऐसा मन में सोचा। सूरदास कहते हैं कि उद्धव जी सोचने लगे कि जब श्री कृष्ण ही मुझे गोकुल भेज रहे हैं, तो मैं कुछ और दूसरी बात उनसे क्यों कहूं, यानी दूसरी चर्चा अब मैं क्यों छेड़ूं। आगे चले, 12वें पद में आ गए हैं। और अब यहां पर उद्धव का, उद्धव के प्रति जो कृष्ण का जो संदेश था वो समाप्त हो गया है। अब जो संदेश आ रहा है वो उद्धव के प्रति कुब्जा के वाक्य हैं। कुब्जा जिसको लेकर बहुत सारे ईर्ष्या के भाव से भरकर गोपियां अपने विचार व्यक्त करती रहती थी समय समय पर, क्योंकि वे उसे अपनी सौत के रूप में देखती थी और वे मानती थी कि मथुरा में जाकर कृष्ण इसलिए रम गए हैं क्योंकि अब उन्हें वहां कुब्जा से प्रेम हो गया है। तो यहां दूसरी ओर कुब्जा भी अनन्य उपासिका है श्री कृष्ण की और उनके प्रेम में डूबी है, तो वो क्या संदेश भेजती है उद्धव के माध्यम से गोपियों के लिए, वो संदेश इस पद में अभिव्यक्त किया गया है। सुनियो एक संदेशो ऊधो तुम गोकुल को जात के है उद्धव,
उद्धव तुम गोकुल की ओर जा रहे हो, यानी गोप गोपियों से मिलने जा रहे हो, तो मेरा भी एक संदेश तुम लेते जाओ, सुनते जाओ, ता पाछे तुम कहियो उनसो एक हमारी बात, कि जब तुम अपना पूरा संदेश, यानी कृष्ण जो संदेश दे रहे हैं वो संदेश जब तुम्हारा पूरा हो जाए, उसके बाद, पाछे मतलब बाद, उसके बाद तुम मेरी ओर से भी एक संदेश गोपियों को देना। मात पिता को हेत जाने के कान मधुपुरी आए, कि कान्हा जो कृष्ण है वो मधुपुरी, यानी मैंने पहले बताया मथुरा, कि मथुरा इसलिए आए क्योंकि उनके माता पिता यहाँ हैं, और माता पिता के प्रति प्रेम भाव, हेत यानी प्रेम भाव, प्रेम भाव के कारण ये कृष्ण जो है वो मथुरा नगरी आए हैं। नाहिन श्याम तिहारे प्रीतम ना जसुदा के जाए, कि तुम जो सोचती हो कि तुम्हारे प्रियतम है कृष्ण, तो वो कृष्ण अब तुम्हारे प्रियतम नहीं है, और ना ही वे यशोदा के उत्पन्न किए हुए पुत्र हैं। तो अब क्या है, ये देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं और मथुरा नगरी के हैं कृष्ण, अब तुम्हारे प्रियतम नहीं है। कुब्जा का भी यहाँ पर असूया का भाव, यानी ईर्ष्या का भाव गोपियों के प्रति अभिव्यक्त हो रहा है। समझो बूझो अपने मन में तुम जो कहा भलो कीनो, और ये स्थितियां क्यों पैदा हुई कि कृष्ण को ब्रज प्रदेश छोड़कर मथुरा क्यों आना पड़ा, उसके लिए कुब्जा कहती है कि तुम स्वयं जानो, कि तुम अपने मन में सोच समझ कर देखो, समझो बूझो अपने मन में सोच समझ कर देखो, सारी स्थितियां जो कृष्ण के साथ तुमने जो व्यवहार किया उन सब पर विचार करो कि तुमने उनके साथ क्या भला किया, कोई अच्छा कार्य तुमने उनके साथ किया नहीं, यही कारण है कि उन्हें ब्रज छोड़ करके मथुरा की ओर आना पड़ा। कह बालक तुम मत ग्वालिनी सबे आप बस कीनो, कि वे तो एक छोटे से बच्चे थे, बालक थे कृष्ण, और तुम मस्त ग्वालिनी युवती स्त्रियां थी, और तुम सब ने मिलकर उन्हें अपने वश में कर लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया, तो तुम्हारे नियंत्रण में होने के कारण वे स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन नहीं जी सके, और यही कारण है कि वे ब्रज प्रदेश छोड़कर मथुरा नगरी की ओर आ गए। और यशोदा माखन काजे बहुतक त्रास दिखाई, और यशोदा मैया ने क्या किया कृष्ण के साथ, कि वे जब माखन खाते थे तो उन्हें तरह तरह से डराया धमकाया करती थी यशोदा मैया। तो वह भी, उनका व्यवहार भी कृष्ण के प्रति गलत था। तो ऐसी स्थिति में यशोदा ने माखन के लिए जो डर दिखाया कृष्ण को, उससे पीड़ित होकर, उससे दुखी होकर कृष्ण मथुरा आ गए हैं। तुम ही सब मिले दावर दीनी रंच दया नहीं आई, रंच मतलब जरा सी भी, कि तुमने ही कृष्ण को बांधने के लिए रस्सी दी थी। वो प्रसंग याद दिला रहे हैं सूरदास जी, जबकि माखन चुराने के कारण जब बहुत सारी गोपियां कृष्ण की शिकायत लेकर के यशोदा मैया के पास आई थी, तो उन्होंने कृष्ण को बांध दिया था रस्सी से, तो उसी प्रसंग को याद दिला रही है कुब्जा, कह रही है कि तुम सब स्त्रियों ने मिलकर ही उसे, उन्हें रस्सी दी थी कृष्ण को बांधने के लिए, और उस वक्त तुम्हें उस कृष्ण जो बालक थे उन पर तनिक भी दया नहीं आई। अरु वृषभानु सुता जो कीनी सो तुम सब जिये जानो, और वृषभानु की पुत्री यानी राधा ने कृष्ण के साथ क्या किया, जो किया उसको तुम सब मन ही मन अच्छी तरह से जानती हो। याही लाज तजी ब्रजमोहन अब काहे दुख मानो, और इसी तुम्हारे इन क्रियाकलापों के कारण, तुम्हारे इन सभी गतिविधियों के कारण शर्मिंदगी महसूस की श्री कृष्ण ने, और उसी लज्जा भाव से भरने के कारण वे तुम्हें छोड़कर अब मथुरा आ गए हैं। तो अब भला तुम क्यों इस बात के लिए दुखी हो कि वे तुम्हें छोड़कर चले गए, क्योंकि जैसा तुमने किया उसका फल तुम भुगत रही हो। सूरदास यह सुने सुने बातें श्याम रहे सिर नाई, इत कुब्जा उत प्रेम ग्वालिनी कहत न कछु बने आई। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम ये सारा कुब्जा का संदेश चुपचाप श्री कृष्ण सुन रहे हैं सिर झुकाकर, सिर नाई, नाई मतलब झुकाकर, क्यों सुन रहे हैं, क्यों उसका विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि वे जानते हैं कि कुब्जा उनकी, उनसे एकनिष्ठ प्रेम करती है, वह भी प्रेम भक्ति के रंग में रंगी हुई है। तो वे एक ओर कुब्जा के प्रेम में बंधे हुए हैं, उनसे विवश हैं, दूसरी ओर गोपियों के प्रेम के वशीभूत हो गए हैं, और यही कारण है कि वो मन ही मन सोच रहे हैं कि इधर तो कुब्जा का प्रेम है, उधर गोप ग्वालियों का प्रेम है, तो ऐसी स्थिति में उनसे कुछ कहते नहीं बन पा रहा, यानी वे निरुत्तर हो गए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि जब दोनों ही ओर से एक प्रेम दूसरे प्रेम से टकरा रहा है, दोनों प्रेम भावों की गहराई भी
बहुत अच्छी है, अच्छी खासी है, तो ऐसी स्थिति में किसका पक्ष लें, किसके विषय में कुछ कहें, तो मौन रहना ही श्रेयस्कर है। उनसे कोई बात बन नहीं पा रही है, इसलिए वे सिर झुकाकर चुपचाप कुब्जा की बातों को, यानी कुब्जा के उद्धव को दिए गए जो संदेश है उसको सुन रहे हैं। आगे चलते हैं। कुब्जा भी उद्धव के हाथ गोपियों के पास संदेश भेजती है। उसके कथन में असूया यानी ईर्ष्या का भाव है। जैसे गोपियों के कथन में आगे चलकर कुब्जा के प्रति असूया का भाव व्यंग से व्यक्त हुआ है। हे उद्धव, तुम ब्रज जा रहे हो, अतः मेरा भी एक संदेश लेते जाओ। अपने संदेश के बाद हमारी ओर से गोपियों से कहना कि श्री कृष्ण माता पिता देवकी और वसुदेव का प्रेम देखकर मथुरा आए हैं। न तो वे गोपियों के प्रियतम हैं, न यशोदा के पुत्र हैं। तुम सब अपने मन में ही सोच समझ लो कि तुमने गोकुल में श्री कृष्ण के साथ क्या भला किया, यानी कौन सा अच्छा व्यवहार किया था। कहां तो छोटी सी आयु के श्री कृष्ण, कहां तो मतवाली ग्वालिने, आप सबने उन्हें अपने वश में कर लिया था। यशोदा ने तो मक्खन के कारण उन्हें बहुत दुख दिया था। तुम सबने जब श्री कृष्ण को बांधने के लिए रस्सी दी थी, तब तुम्हें उन पर तनिक भी दया नहीं आई। वृषभानु की पुत्री राधा ने जो कुछ भी कृष्ण के साथ किया, वह तुम सब अपने मन में अच्छी तरह से जानती हो। इसी शर्म के कारण श्री कृष्ण ने ब्रज छोड़ दिया। अब आप दुख क्यों महसूस करती हैं? आपकी करतूतों से ही तो श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा आए हैं। सूरदास कहते हैं कि कुब्जा की इस तरह की बातें सुन सुनकर श्री कृष्ण सिर झुकाए हुए स्थिर थे, क्योंकि इधर तो उनके प्रेम की पात्र कुब्जा थी और उधर उनके प्रेम की संगिनी गोपियां थी, अतः उनसे कुछ बात नहीं बन पा रही थी। तो ये हुए दोस्तों हमारे प्रश्न, हमारा आज हमने पूरे कर लिए भ्रमर गीत सार के 12 पद और उन पर आधारित प्रश्न अब हम हल करने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सूरदास का जन्म स्थान है रूनकता, सीही, पारसौली या फिर माठ। तो बी विकल्प यहां सही उत्तर है, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने सीही ग्राम जो दिल्ली के निकट स्थित है उसको उनका जन्म स्थान माना है और रूनकता अन्य शोधों के आधार पर माना गया है। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, सूरदास के गुरु माने गए हैं वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, निम्बार्क या फिर रामानुज। तो वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु माने गए हैं, ए विकल्प यहां सही उत्तर है। विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सूरदास की भक्ति पद्धति का दार्शनिक आधार है द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद। द्वैतवाद को आप समझ लीजिए, द्वैतवाद जहां पर आत्मा और परमात्मा की को दो भिन्न सत्ताओं के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ दो का भाव, वो द्वैत द्वैतवाद होता है। और द्वैता द्वैतवाद यानी जहां ये जिस मत में ये माना जाए कि आत्मा और परमात्मा अलग भी हैं और उनमें अद्वैत भी है, यानी द्वैत और अद्वैत का भाव दोनों भाव माने जाते हैं, वो द्वैता द्वैत भाव होता है। और अद्वैतवाद जहां होता है, हम कबीर के संदर्भ में पढ़ चुके हैं, जहां आत्मा को परमात्मा का अंश माना जाता है, यानी केवल और केवल एक सत्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है, यहां जगत को मिथ्या माना जाता है, संसार को मिथ्या माना जाता है, वहां अद्वैतवाद होता है। शंकर ने अद्वैत मत का प्रचार किया था। शुद्धाद्वैतवाद मैं आपको बता चुकी हूं, वल्लभाचार्य इसके प्रतिपादक थे, यानी माया से रहित अद्वैत की बात जहां की जाती है और जहां पर संसार को भी सत्य माना जाता है, वहां शुद्धाद्वैतवाद होता है। तो सूरदास की भक्ति पद्धति का दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैतवाद, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रज पहुंचकर सबसे पहले क्या करने के लिए कहा? नंद बाबा को प्रणाम करके एवं कुशल समाचार देने के लिए कहा, राधा से मिलने के लिए कहा, गोप ग्वालों से भेंट करने के लिए कहा, या फिर श्वेत श्यामा गायों से मिलने के लिए कहा? तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि नंद बाबा को प्रणाम करना और उन्हें यहाँ के सारे कुशल समाचार देना। तो ए विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न, मंत्री एक बन बसत हमारो, पंक्ति में मंत्री शब्द किस से किसकी ओर संकेत किया गया? इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर लेंगे। नंद बाबा के मंत्री की ओर, गोप की ओर, राधा की ओर या गोपियों की ओर? तो राधा की ओर संकेत किया गया है, यहाँ पर सी विकल्प सही उत्तर है। छठा प्रश्न, वृंदावन की रखवाली कौन करता है? कृष्ण, इंद्र, नंद या ब्रज देवी? तो ब्रज देवी रखवार इस तरह की चर्चा पद में आई थी, तो डी विकल्प यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। सातवां प्रश्न देखिए, श्री कृष्ण ने उद्धव के हाथ नंद के कठोर होने का संदेश क्यों भेजा? ए विकल्प, नंद ने कृष्ण बलराम को मथुरा भेजकर कभी उनकी खोज खबर नहीं ली।
कृष्ण के मथुरा आने पर नंद नाराज हो गए। नंद ने मथुरा आते समय कृष्ण से कटु वचन कहे, इनमें से कोई भी नहीं। तो ए विकल्प यहां सही उत्तर है दोस्तों। आपको याद होगा कि नंद ने कृष्ण बलराम को मथुरा भेजकर कभी उनकी खोज खबर नहीं ली। इस बात का उलाहना, इस बात का जिक्र उद्धव को दिए गए संदेश में स्वयं कृष्ण ने किया है। कहीं और नंद कठोर भय, उस पद को आप ध्यान में रख लेंगे। आठवां प्रश्न, उपंगसुत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए, बलराम के लिए या फिर कंस के लिए? तो उपंगसुत शब्द का प्रयोग किया गया है उद्धव के लिए। बी विकल्प यहां पर सही उत्तर है। नवां प्रश्न, श्री कृष्ण उद्धव को देखकर क्यों पछताए? वे कृष्ण के प्रति कठोर हो गए थे, अब उनके हृदय में कृष्ण के प्रति पहले जैसा मित्र भाव नहीं रहा था। वे सारा समय योग साधना में बिताने लगे थे। वे आकृति एवं वेशभूषा से कृष्ण के समान सुंदर थे, किंतु प्रेम भक्ति के भाव से रहित और ज्ञान के समर्थक थे। तो डी विकल्प बिल्कुल सही है। इसीलिए मन ही मन कृष्ण ने उनके सुंदर शरीर को देख करके पश्चाताप का अनुभव किया था। आगे चलें। दसवां प्रश्न, श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रज क्यों भेजा? उद्धव को प्रेम भक्ति का संदेश देने के लिए, राधा और गोपियों को प्रेम का प्रेम संदेश देने के लिए, गोपियों को ज्ञान योग की शिक्षा देने के लिए, उपर्युक्त सभी? तो देखिए, सभी उद्देश्य यहां पर विद्यमान थे कृष्ण के मन में। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि मूल उद्देश्य उनका क्या था। मूल उद्देश्य उनका यह था कि वे उद्धव को प्रेम भक्ति का संदेश देना चाहते थे। ये उनका मूल छिपा हुआ उद्देश्य था, जिसे उद्धव के सामने उन्होंने अभिव्यक्त नहीं किया। उसके साथ ही वे राधा और गोपियों को अपने प्रेम का संदेश भी भेजना चाहते थे, और गोपियों को ज्ञान योग की शिक्षा देने के लिए उन्होंने उद्धव को भेजा। ये उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उद्धव से कहा था। तो ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन यहां पर सही है, इसलिए इसका डी विकल्प होगा। लेकिन अगर प्रश्न में ये तीन विकल्प ना हो और ये विकल्प हो, तो आपको सबसे पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य कृष्ण का उद्धव को भेजने का था कि वे उन्हें प्रेम भक्ति का संदेश देना चाहते थे, शिक्षा देना चाहते थे। आगे चलते हैं। श्री कृष्ण ने गोकुल के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते समय उद्धव से निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा? मेरा मन होता है कि मैं तत्काल ब्रज चला जाऊं, कहा था। गोप ग्वालों गायों को त्यागते समय मुझे अत्यंत दुख हुआ, यह भी कृष्ण ने कहा था। राधा को मैं अपने साथ नहीं ला सका, यह बात मुझे पीड़ित करती है, यह बात कृष्ण ने नहीं कही थी। बार बार वे कहते थे कि राधा मेरे चित्त से, एक बार भी उनका प्रेम मेरे चित्त से टलता नहीं है, ये बात जरूर कही थी, लेकिन कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि वे राधा को अपने साथ लाना चाहते थे लेकिन नहीं ला सके। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर है। मथुरा में न तो कोई पुत्र भोजन कर ले कहने वाला है और न यहाँ माखन चोरी संभव है, ये बात भी कृष्ण ने उद्धव से कही थी। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बारहवां प्रश्न, काम पावक तूल मैतन विरह स्वास समीर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मैं आपको बता चुकी हूं, यहाँ रूपक अलंकार है। रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा और दृष्टांत चार विकल्प है, लेकिन यहाँ रूपक अलंकार है। आगे चलते हैं। सूर तुरति है जाय कहो तुम ब्रह्म बिना नहीं आसति पंक्ति में आसति शब्द का क्या अर्थ है? आसक्ति, मुक्ति, आश्रय या प्रेम? तो हमने चर्चा की थी कि आसति शब्द का अर्थ है यहां मुक्ति, क्योंकि कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि वे गोपियों को जाकर समझाएं कि ब्रह्म के स्वरूप को, ब्रह्म के ज्ञान को समझे बिना इस संसार से आसति यानी मुक्ति संभव नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। चौदवां प्रश्न, यद्यपि मथुरा विभव बहुत है तुम बिन कछु न सुहाय, कृष्ण ने इस पंक्ति के द्वारा किसे संदेश भेजा? राधा को, नंद बाबा को, यशोदा मैया को या गोपियों को? तो ये संदेश कृष्ण ने नंद बाबा को भेजा जब उन्होंने जिक्र किया कि वे ध्यान रखें कि उनकी श्यामा और श्वेत गायें उनके वियोग में दुखी न होने पाए, उसी प्रसंग में उन्होंने ये बात कही। तो बी विकल्प यहाँ सही उत्तर है। पंद्रवां प्रश्न, श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से क्या संभाल कर रखने के लिए कहा? बांसुरी, पीतांबर, मक्खन या फिर गायें? तो उन्होंने बांसुरी संभाल कर रखने के लिए कहा था। तो ए विकल्प यहां सही उत्तर है। अगला प्रश्न, नयन आकाश चढ़ायो का क्या अर्थ है? गर्वोन्मत्त होना, कल्पना में डूबना, उन्नति करना या महल का ऊपरी भाग? ऊ को बड़ा कर लेंगे, गर्वोन्मत्त होना यहाँ इसका सही उत्तर है। तो ए विकल्प सही है। सत्रवां प्रश्न, सूरदास यह सुनी बातें श्याम रहे सिर नाई पंक्ति में श्री कृष्ण के सिर झुकाने का क्या कारण था?
वे कुब्जा और गोपियों के अपने प्रति प्रेम की गहराई को जानते थे, वे लज्जित थे, वे मन ही मन पछता रहे थे, वे ब्रज लौटना चाहकर भी लौट नहीं पा रहे थे। तो ए विकल्प बिल्कुल सही है। सिर झुकाकर सारे कुब्जा के संदेश को श्री कृष्ण इसलिए सुनते रहे क्योंकि वे जानते थे कि कुब्जा का मन भी, कुब्जा का हृदय भी उनके प्रति एकनिष्ठ प्रेम से भरा हुआ है और गोपियों का हृदय भी उनके प्रति एकनिष्ठ प्रेम से भरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कुछ भी कहना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। तो ए विकल्प यहां सही उत्तर है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिस स्नातक रचना श्रृंखला के अंतर्गत हमने भ्रमर गीत सार के 12 पदों पर चर्चा की, सूरदास के विषय में महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना, उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर हमने बात की। उम्मीद करती हूँ कि सत्र आपको महत्वपूर्ण तो लगा ही होगा परीक्षा की दृष्टि से, उसके साथ ही रोचक और आनंददायक भी लगा होगा। तो अब व्याकुलता से, तत्परता से अगले सत्र के इंतजार में रहिए, जबकि हम भ्रमर गीत सार के पूरे पाठ्यक्रम को समाप्त कर देंगे, पूरा कर देंगे और उसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।